पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला घर घर कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला घर घर ये सुख हरणी मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है धारती भागवत भगवान की है आरती हो आरती पाप से है धारती ये मधुर बोल भव पंथी खोल सत्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल भव पंथी खोल बिगड़ी को बनाने श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती ओ आरती को पाप से है उपरांत पुष्पै देवान् वन्दनात् हरिः ॐ यगनेन यगनमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकुं महिमानः सजन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्त देवा सेवन्ति काबकुलजं भगवादलब्धये पुन्नागजाति करवीररसाल पुष्पै बिलव प्रबाल तुलसी दल मंजरी भी त्वं पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वग्रहाणा परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वं मम देव देवा बोलि भागवत भगवान की जय सतगुरुदेव श्री जी बाबा महाराज की जय सब लोग अपने अपने आसन पर बैठ जाए श्रीमद गोपी जन वल्लभाय नमः श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः श्री गोसाई जी परम दयाल वे नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः श्री पुरुषोत्तम समारंभाम् विष्णु स्वामी सुमहिमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः यं प्रजलन्दमनुपेगमपेग कृत्यं द्वैपायनो विरहका पुत्रे निधनमयदया सर्वो विनेदो तं सर्वभूतहृदयो मुनिमान् गोस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये श्री गोव
गोवर्धन नाथ पाद युग लालो हेय नवीन प्रिय नित्यं श्री मथुराधिपम सुखकरं श्री वेठलेशं मुदा श्रीमद्वारपतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभो श्रीमन्मन्मथ मोहनं नटवरं श्रीवार कृष्णं भजे देवता बाल कृष्णस्य चतुर्भर्ग प्रदायक शिरोमे बाल कृष्णस्य पाद नित्यं मम श्रुतिः बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय जगद्गुरु शिवल्लभा की जय पूज्य सद्गुरुदेव श्री श्री जी बाबा महाराज की जय 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 श्री राधे उपस्थित प्रभु पद परिमान भागी जन परम आराध्य लाल भगवान श्री बाल कृष्ण प्रभु की सहज प्राप्त अनुकंपा से पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से श्रावण मास के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत भगवान की कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में हम और आप श्रवण कर रहे हैं। आज पावन ज्ञान यज्ञ का चतुर्थ दिवस है। कल तृतीय दिवस में ध्रुव चरित्र प्रथु चरित्र पुरंजन उपाख्यान प्रियप्रद राजा की कथा आग्नेयेन्द्र का चरित्र ऋषभदेव भगवान की कथा जड़ भरत उपाख्यान भूगोल खगोल दीप नदी पर्वतादि का वर्णन 28 प्रकार के नरकों की कथा नरकों में ना जाएं उसके लिए 9 साधन बतलाई अजामिल की कथा सुनाई जाने अनजाने में कितने भी पाप हमारे द्वारा हो जाएं भगवान के नाम का आश्रय ले लिया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान के नाम की महिमा के बाद नारद जी के द्वारा दक्ष पुत्रों को ज्ञान दिया गया वृत्तासुर सप्तशतों की सुनाई 49 मंगलगणों की कथा प्रश्न किया गया भगवान देवताओं की तरफदारी क्यों करते हैं और दानवों को दंड क्यों देते हैं। प्रहलाद चरित्र के अंतर्गत नरसिंह अवतार की कथा श्रवण कराई हिरण्यकश्यप ने भगवान को अपना शत्रु माना भगवान ने उसे मार डाला प्रहलाद ने अपना हिमायती माना भगवान गोदी में लेकर के उसका दुलार करने लगे। श्रीमद् भागवत की हर कथा से कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। प्रहलाद चरित्र से क्या सीखना चाहिए गोदी में लेकर के प्रहलाद को नरसिंह भगवान ने कहा हे प्रहलाद मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं मुझसे जो चाहो सो वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने बहुत बढ़िया बात कही जो हमारे और आपने सीखने के लिए नान्यता देखिल गुरो घटित करुणात्मन यस्त आशिष आशास्ते नस भ्रत्य सवई पणित हे अखिल लोक के गुरु जो लोग आपसे कुछ मांगने के लिए आपकी भक्ति करते हैं मैं उनको आपका भक्त नहीं मानता हूं। फिर वो लोग कौन हैं जो मांगने के लिए भक्ति करते हैं आशासानो नैवेद्य स्वामिन्य शिष आत्मना मैं उनको व्यापारी कहूंगा बढ़िया कहूंगा हे प्रभु आप हमारा फलाना काम बना दीजिए हम आपका भोग लगा देंगे
हे हनुमान जी, हमारी अंगूठी खो गई है, 11 रुपए का भोग लगाएंगे, आप हमारी अंगूठी को खुजवा दीजिए। ये भगवान से व्यापार है, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। क्यों जी, भगवान से नहीं मांगे तो फिर मांगने जाएं कहां? हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु जी कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने बैठना शुरू कर दो, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी कामना अपने आप पूर्ण होने लगेगी। श्रीवल्लभ संप्रदाय में पद गा गा करके ठाकुर जी की सेवा की जाती है, माधव संप्रदाय में कीर्तन कर करके भगवान की सेवा की जाती है, रामानुज संप्रदाय में स्तोत्र पाठ करके भगवान की सेवा की जाती है, निम्बार्क संप्रदाय में भी पद गाए जाते हैं, हर लीला का पद है, 1,25,000 पद सूरदास जी ने रचे हैं, 70,000 पद नंददास जी ने रचे हैं, अष्ट सखाओं के अलावा और भी भक्तों ने भगवान की लीला गाई है, किसी भी पद में भगवान से कुछ मांगा नहीं है। झोली भर गए, संकट हर गए, या गहरी न लिया, ना पुरानी ना, केवल 3 पद हैं पूरे वल्लभ संप्रदाय के पदों में। यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानुष जन्म और हरि सेवा, ब्रज वश वो मोय दीजे सुल्लभ। यह मांगू संकर्षण वीर भावे मोय भक्तन की भीर, एरी विजना तो पे अचरा पसार मांगो, जन्म जन्म दीजो मोय आही ब्रज वसो। भगवान को कैसे मालूम पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए, हम क्यों बैठे हैं उनके पास? जब हम लोग एयरपोर्ट पर हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, एयरपोर्ट पर कैमरा लगे रहते हैं, वो हमारे अटैची का अंदर पता कर लेते हैं कि अटैची के अंदर हम क्या लेके जा रहे हैं। आदमी का बना हुआ जब अटैची के अंदर का पता कर सकता है, तो भगवान हमारे हृदय के, हमारे मन के अंदर का निश्चय ही पता कर सकते हैं। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, हे प्रहलाद, तुम मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ हो। महाराज, मैं कैसे श्रेष्ठ हो गया? तुम्हारे पिता ने तुमको कितनी बार मारा, पीटा, बांधा, पटका, जलाया, कितना कितना अपमान किया, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आई तुम्हें अपने पिता पर। और मैं तो खंभे में था, तुमने कह दिया कि हमारा एमआईटी खंभे में है, जैसे ही तलवार उठाई मैं खंभा फाड़ करके बाहर आ गया। हमारे ऊपर तो एक बार तलवार उठाई तो हम आपे से बाहर आ गए, और तुमको इतनी बार प्रताड़ना दी गई, तुमको क्रोध नहीं आया। जिनको क्रोध नहीं आता वही श्रेष्ठ है। कुछ वरदान मांग लो। प्रहलाद जी के मन में मांगने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। बार बार नरसिंह भगवान कहते हैं, मांगो मांगो मांगो, तब तो जाकर के कावले वरदान दीजिए, कहीं हमारे पिताजी नरक में ना चले जाएं। धन्य हो प्रहलाद, जिस पिता ने तुमको मरते दम तक सताया, उसके मरने के बाद ही तुम उसका कल्याण चाह रहे हो, यही सच्चे भक्त के स्वभाव की निशानी है। हे प्रहलाद, जिस घर में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म ले लेता है, उसकी 21 पीढ़ियां नरक में नहीं जाती हैं। भागवत आयुर्वेदिक दवाई है, रामचरितमानस होम्योपैथिक दवाई है, मीठी मीठी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और श्रीमद् भगवत गीता एलोपैथिक दवाई है। जब कोई जीवन में समस्या आ जाए, गीता जी की पुस्तक लो,
और बच्चों की तरह कौन सा क्वेश्चन आएगा, ऐसे बीच में से खोल लो अपनी समस्या से जुड़ा हुआ समाधान गीता जी से तत्क्षण मिल जाएगा। रामायण मीठा मीठा काम है, कोई भी ले लो, कैसे भी ले लो, कोई नुकसान नहीं। श्रीमद् भागवत आयुर्वेदिक है, थोड़ा ध्यान से लेना पड़ता है। आयुर्वेद में थोड़ा छानना, कूटना, पीसना, कोई दवाई शहद के साथ, कोई गर्म पानी के साथ, कोई खाली पेट, कोई भोजन के बाद, अलग अलग नियम है। ध्यान से सुनना चाहिए, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। एक जना अपने दादाजी को कूट रहा था, पड़ोसी आई दौड़ कर, अरे भाई ये क्या कर रहे हो? बोले वैद्य जी ने कहा है कूट के दवाई देनी है, इसलिए पहले कूट रहा था, बाद में दवाई दूंगा। दादाजी को नहीं कूटना है, दवाई को कूटना है। नरसिंह भगवान ने कहा कि 21 पीढ़ी नरक में नहीं जाएगी। कौन सी 21 पीढ़ी? हो गई वो या आगे होगी वो? त्रिसप्तभी पितापूत पितृभी सहते नघ यत साधो से गृहे जातो भवान भई कुल पावना। सात पीढ़ी हमारे पिताजी की तरफ की, दादाजी परदादाजी उनके दादाजी, सात पीढ़ी हमारे नाना जी की तरफ की, नाना जी के दादाजी और उनके दादाजी, और सात पीढ़ी हमारी आगे आने वाली, बेटा पोता परपोता। एक जने के भजन करने से तीन तरफ की सात सात पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। यदि हम लोग नियम बना लें, सारे घर वाले मिलकर के शाम को आधा घंटा कीर्तन किया करें, रोज समय नहीं है तो रविवार को रविवार, एकादशी की एकादशी, या महीने में किसी एक दिन, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत जोर का धमाका हो जाए, बाहर आवाज आए धड़ाम से, हमने देखा नहीं क्या हुआ, लेकिन सुन करके भयभीत हो जाएंगे हम लोग। कोई बाहर से आवाज लगाए, बाहर आइए, जान नहीं पहचान नहीं, आवाज लगाई जा रही, हम लोग बाहर जाएंगे। कुत्ता पिल्ला को बुलाने के लिए, गाय को बुलाने के लिए हाथ में कुछ नहीं है, केवल आवाज लगाई जाती है, आ आ आ शब्द सुन करके आने लगता है। सीटी बजाने से बच्चा हंसने लगता है, कोई क्रिया नहीं हो रही है, केवल शब्द हो रहा है, शब्द का प्रभाव मन पर पड़ता है। इसी प्रकार जब भगवान के नाम का उच्चारण किया जाएगा, कीर्तन का शब्द सबके कान में पड़ेगा, उसका प्रभाव के सबकी बुद्धि सद्बुद्धि हो जाएगी, सबका कल्याण निश्चय ही होगा। बोलो नरसिंह भगवान। आइए थोड़ा कथा से जुड़ते हैं। हम और आप कौन सी कथा सुन रहे हैं? बोले वह कथा जो नेमशारण में 88,000 ऋषियों को सूत जी ने सुनाई थी। सूत जी महाराज ने कौन सी कथा सुनाई थी? बोले वही कथा जो गंगा के किनारे शुभदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। यहां शुभदेव जी कौन सी कथा सुना रहे हैं? बोले वही कथा जो युधिष्ठिर जी को नारद जी के द्वारा सुनाई जा रही है। नारद जी ने पूछा, हे युधिष्ठिर, क्या तुम जानते हो शंकर भगवान का नाम त्रिपुरारी कैसे पड़ा? कस्मिन कर्मणि देवस्य मयोहं जगदीशतो यथा चोपचिता कीर्ति कृष्णे नानेन कथिताम्। महाराज, मैं जानना चाहता हूं कि भगवान ने कौन सी लीला करी भोलेनाथ ने, जो उनका नाम त्रिपुरारी पड़ गया, मुझे बतलाइए। निर्जितासुरा देवै युद्धनेनोपबृंहित मायनाम परमाचार्यं मयं शरणमाययो। एक राक्षस है जिसके पास विचित्र किला है, किले के बीचों बीच में अमृत का कुंड है, किले के चारों तरफ तीन दीवाल हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। पहले सोने की दीवाल, फिर उसके बाहर चांदी की दीवाल, फिर उसके बाहर लोहे की दीवाल है।
इन दीवालों से सुरक्षित रहने के कारण इस राक्षस का नाम त्रिपुरासुर पड़ गया है। ये त्रिपुरासुर अपने किले से बाहर आकर के देवताओं को सताता है। जहां भी जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा कथा कीर्तन सनातन धर्म हो रहा हो वहां जाकर के ये व्यवधान डालने लग जाता है। देवता युद्ध करने आते हैं नहीं जीत पाते, तीन मोटी मोटी दीवालों में सुरक्षित है। भगवान शंकर को इसका पद करने के लिए बुलाया गया, भोलेनाथ युद्ध करने के लिए आए, इसका सिर काट डाला, ले जाकर के धड़ और सिर अमृत के कुंड में डाल दिए, दोनों जुड़ गए। जीवित होकर के फिर युद्ध करने के लिए आ गया। शंकर भगवान बार बार इसका वध कर देते हैं, बार बार जीवित हो जाता है। विलोक्य भग्न संकल्पम विमनस्तम ऋषध्वजम् तदायम भगवान विष्णु तत्रोपायम कल्पयत। भगवान भोलेनाथ नारायण की शरण में गए, बोले हे प्रभु आप हमारी सहायता करिए। भगवान नारायण ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाया, भादो बदी पारस जिसे हम और आप बच्छ पारस कहते हैं। गाय का पूजन करना इसलिए भी आवश्यक है कि गाय भगवान का ही अवतार है, भगवान गाय का रूप धारण किए। पहुंच गए किले के अंदर और ब्रह्मा और विष्णु ने गैया और बछड़ा के रूप में सारा अमृत पान कर लिया, चाट करके साफ करके रख दिया। अब की बार भोलेनाथ युद्ध करने के लिए गए, त्रिपुर के अनुचर उठा करके अमृत कुंड में डालने लगे, अमृत नहीं था। त्रिपुरासुर के प्राण भगवान शंकर के चरणों में विलीन हो गए। अरी माने शत्रु, त्रिपुर को मारने वाले त्रिपुर के अरी, भगवान शंकर का नाम त्रिपुरारी पड़ गया। बोलो त्रिपुरारी भगवान की जय। ये हमारा मन त्रिपुरासुर है। मन के चारों तरफ तीन दीवाल है, सबसे बाहर जो लोहे की दीवाल है वो है क्रोध की दीवाल। मन हर जगह एडजस्ट नहीं होता है, क्रोध आ जाता है, मन माफिक काम नहीं हुआ और गुस्सा आया। क्रोध की दीवाल के भीतर चांदी की दीवाल माने काम की दीवाल, काम में ही फंसा रहता है मन। और उसके भीतर है सोने की दीवाल माने लोह की दीवाल। काम क्रोध और लोभ ये मन को घेरे हुए हैं। ये मन इंद्री रूपी देवताओं को सताता है। शिव की शरण में जाना चाहिए। शिव माने सत्संग। जितनी देर हम कथा में आकर के बैठते हैं, सत्संग में आकर के बैठते हैं, ये मन रूपी त्रिपुरासुर मर जाता है। मन को बहुत बढ़िया करके ले जाते हैं कथा में से, लेकिन जैसे ही अपने घर पहुंचे वहां दुर्वासनाओं का अमृत का कुंड है, वहां जाते ही मन में वही विचार वही व्यवस्था वही गति होने लगती है। क्या करना चाहिए? बोले जैसे शंकर भगवान ने नारायण की शरण ली, हमें भी अपने अपने घरों में लड्डू गोपाल जी विराजमान करने चाहिए। अरे 24 घंटे में कम से कम 24 बार हम उनकी तरफ झांक करके देखेंगे तो सही। 24 घंटे में 12 बार तो मन में कोई ना कोई विचार उनको लेकर के आएगा, ज्यादा नहीं 2 बार भोजन करेंगे तो कम से कम भोग लगाने के लिए तो उनके मंदिर तक जाएंगे ही। किसी भी प्रकार से यदि हम ठाकुर जी से जुड़ते हैं तो ये मन रूपी त्रिपुरासुर समाप्त हो जाता है। बोलो त्रिपुरारी भगवान जय। युधिष्ठिर जी ने नारायण को प्रणाम, नारद जी को प्रणाम करके कहा, भगवन शोधमिच्छामि नृणाम धर्मम सनातनम वर्णाश्रमाचार्यतम
यत् पुमान् विन्दते परम। हे प्रभु, मैं सनातन धर्म श्रवण करना चाहता हूँ। यदि आप मुझे अधिकारी समझते हो तो सनातन धर्म का वर्णन करें। नारद जी मुस्कुराए और कहा, बोले तुमसे ज्यादा धर्म सुनने का अधिकारी कौन है? हे युधिष्ठिर, हे पांडव श्रेष्ठ, तुमसे ज्यादा इस संसार में भाग्यशाली कौन है? यूयम् लोके बचे भूरि भागा लोकम् पुनाना मुनियो व्यन्दि येषां ग्रहाणां वसती साक्षात् गूढ़ परम ब्रह्म मनुष्यलिंगम। श्री कृष्ण कन्हैया बिना कारण के बार बार बहाने बहाने से तुम्हारे पास मिलने आते रहते हैं, और जितने भी भक्त हैं ना, उनके यहां भगवान गिनती के गए हैं दो बार, चार बार, छह बार। पांडवों के पास गिनती नहीं है कि भगवान कितनी बार चल करके आए हैं। जब मन नहीं लगा द्वारका में, चलो पांडवों के पास, चलो पांडवों के पास। दाऊ जी को गुस्सा आ गई, इतना एक नहीं आ, क्या बार बार वहां भागते रहते हो? क्या है ऐसा पांडवों में जो दौड़ दौड़ करके वहां जाते हो? श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, पांडव कभी भी धर्म नहीं छोड़ते हैं। घर छोड़ना पड़ जाए, राज्य छोड़ना पड़ जाए, भोजन छोड़ना पड़ जाए, सुख सुविधा आराम ऐश्वर्य छोड़ना पड़ जाए, पर कभी धर्म को नहीं छोड़ते हैं। वो धर्म को नहीं छोड़ते हैं, मैं उन्हें नहीं छोड़ता हूं। जो धर्म को छोड़ देते हैं, मैं उन्हें छोड़ देता हूं। आप तो साक्षात धर्मराज हैं। राजा का कर्तव्य है धर्मज्ञो धर्म कर्ता च सदा धर्म परायण। स्वयं धर्म करना चाहिए, प्रजा से धर्म कराना चाहिए, और धर्म करने वालों को सब्सिडी माने सहयोग देना चाहिए। श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को धर्म सिखाया था। जिस धर्म का विवेचन वेदों में है, वही धर्म श्रीमद् भागवत में नारद जी युधिष्ठिर जी को श्रवण करा रहे हैं। हम और आप भी थोड़ा ध्यान से सुने और अपने अंदर देखें कि कितने लक्षण हैं, कितने नहीं हैं, कितने किस प्रकार से लाए जा सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। सनातन धर्म के 30 लक्षण बतलाए गए हैं। दादाजी की कपड़े की दुकान पुराने शहर में, पुराने बाजार में, चार बेटे थे, उसी दुकान से पढ़ा लिखा करके उन चारों बेटों के लिए कपड़े के बड़े बड़े शोरूम बनवा दिए। आज ये बेटे अपने अपने शोरूम खोल करके बैठे हैं। कोई आता है, अरे आप तो शहर में उस पुरानी दुकान पर बैठते थे, अरे वहां मत जाना, वहां तो लूट है, वहां बढ़िया माल नहीं है, हम तुमको डिस्काउंट देंगे, होम डिलीवरी देंगे। जिस दुकान से कमाना खाना सीखे, उस दुकान की बुराई कर करके अपने शोरूमों को चला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार सबसे पुराना धर्म सत्य सनातन धर्म है। इसी के 30 लक्षणों में से 2, 4, 6, 8, 10 ले ले करके लोगों ने अपने नाम से अन्य धर्म चला दिए। और ये अन्य धर्म क्या है? आकर्षक शोरूम है, जो पुरानी वाली दुकान की बुराई कर करके ही अपने ग्राहक बनाने में लगे हुए हैं। जितने भी धर्म हैं सबकी आयु है, लेकिन हमारा सनातन धर्म जब से सृष्टि है तब से विराजमान है। सत्यम दया तपशौचम तितिक्षेक्षा शमोदम अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्याग स्वाध्याय जवम। धर्म का पहला लक्षण है सत्य, सत्य बोलना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि आज एकादशी है, आज हम झूठ नहीं बोलेंगे, हफ्ते में एक दिन मंगलवार को हम झूठ नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे ऐसा व्यवहार करना चाहिए। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, अशोक की लाट, उसके नीचे कुछ लिखा है, क्या लिखा है बोलेंगे?
सत्यमेव जयते। सत्य बोलने वाले की हमेशा विजय होती है, कभी हार नहीं होती है। सनातन धर्म का पहला लक्षण सत्य है। और धर्म में जितनी क्रियाएं कराई जाती हैं, चाहे वो अर्घ देना हो, चाहे तिलक लगाना हो, चाहे माला करना हो, चाहे परिक्रमा करना हो, तिलक रोली का ही क्यों लगाया जाता है, हल्दी मेहंदी नील काला पीला गुलाबी लगाना चाहिए, बोले नहीं, ये रजोगुण है, इससे हम उन्नति चाहते हैं, वृद्धि चाहते हैं। फिर चावल क्यों लगाए जाते हैं, मूंग उड़द बाजरा कुछ और लगा दिया जाए, नहीं नहीं, रजोगुण पर तमोगुण की छाया ना आ जाए, इसलिए चावल लगाए जाते हैं कि रजोगुण के ऊपर सतोगुण प्रभावी रहे। यदि रजोगुण पर सतोगुण प्रभावी रहेगा तो सदबुद्धि बनी रहेगी और उन्नति करते रहेंगे। हर क्रिया का वैज्ञानिक हमारे यहाँ जवाब है। हर क्रिया सत्य के लिए की जाती है। पाखंड का हमारे धर्म में कोई काम नहीं है, दूर दूर तक काम नहीं है। दूसरा लक्षण है दया। प्राणी मात्र पर दया करनी चाहिए। समुद्र का पुल बांधा जा रहा है, बंदर बड़े बड़े पहाड़ ला रहे हैं, नल और नील राम राम लिख करके तैरा रहे हैं। राम जी पे कोई काम नहीं था, आराम से बैठे थे, पता नहीं मन में क्या बात आई, एक बाण निकाला और बालू में उसे डालने लगे, देखता हूं कितना भीतर जाता है। थोड़ा सा भीतर बाण गया और लगा के अंदर कोई गुदगुदी चीज है, कहीं ये टिक रहा है। खोद करके निकाला तो मेंढक निकला, उसकी पीठ पे बाण चुभ रहा था। भगवान ने हाथ में लेकर के पुचकारा, बोले भले आदमी, जब नोक चुभ रही थी, कष्ट हो रहा था तो टर टर बचाओ बचाओ चिल्ला था, क्यों नहीं चिल्लाया? मेंढक बोला महाराज दुनिया मारती है तो आपके सामने चिल्लाते हैं, और जब आप ही बाण लगा रहे थे तो फिर चिल्लाने कहां जाते। राम जी ने बाण फेंक दिया, बोले भूल से भी हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो जाए, हमेशा दया का भाव रखना चाहिए। धर्म का लक्षण है तप करना, तपस्या करना। कल हम लोगों ने बताया था कि शरीर के प्रत्येक अंग से तप करना चाहिए, लेकिन आज के युग में सबसे बड़ा तप है अपना काम अपने आप करना। स्वयं दासा तपस्विना, स्वयं सेवक बनकर के रहना चाहिए। दो फायदे होंगे। पहला फायदा, हम अपना काम अपने आप करते रहेंगे, शरीर बढ़िया रहेगा, बीमार कम से कम पड़ेंगे, हाथ पांव चलते रहेंगे, बढ़िया बना रहेगा। और दूसरा फायदा क्या होगा, बोले घर वाले सम्मान बहुत करेंगे। जो लोग हुक्म चलाते हैं उनसे घर वाले डरते हैं, बोले दादी के पास मत जाना, देखते ही काम बता देगी, ताऊ जी से थोड़ा दूर रहना, देखते ही काम में लगा देते हैं। अपना काम अपने आप करते रहेंगे तो बच्चे भी आकर के पास बैठेंगे, हालचाल पूछते रहेंगे। धर्म का लक्षण है शौचम माने पवित्रता। हमें अपने भोजन में कम से कम पवित्रता रखनी ही चाहिए, वाणी के शब्दों में पवित्रता, कपड़ों में पवित्रता, घर में पवित्रता, सबसे ज्यादा भगवान के पाठ पूजा करते समय हमें पवित्र रहना चाहिए। धर्म का लक्षण है तितिक्षा, ना किसी की उपेक्षा और ना किसी से अपेक्षा। मन को वश में रखना, इंद्रियों को नियंत्रित रखना, ये धर्म के लक्षण हैं। अहिंसा ब्रह्मचर्यम च त्याग स्वाध्याय आर्जवम। हिंसा से दूर रहना ये धर्म का लक्षण है, अहिंसा के मार्ग पर चलना। हिंसा कई प्रकार से होती है, किसी में गोली मार देना या हत्या कर देना ही हिंसा नहीं है, भरी सभा में किसी का अपमान कर देना हिंसा है, किसी के बच्चे में गंदी आदतें डालना हिंसा है, किसी का प्रिय सामान चुरा लेना हिंसा है, किसी के घर में या खेत में आग लगा देना हिंसा है,
किसी की गुप्त बात मार्मिक बात लोगों में चौड़े कर देना हिंसा है। हर प्रकार की हिंसा से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना सनातन धर्म का लक्षण है। त्याग की भावना रखना, छीना झपटी दबाना, आक्रमण करना, ये हमारे धर्म में नहीं है। हमारे यहां तो त्याग की भावना, सनातन धर्म का लक्षण है स्वाध्याय। थोड़ा ध्यान देंगे, स्वयं अध्ययन करना स्वाध्याय कहलाता है। हर हिंदू के घर में गीता भागवत रामायण तीन ग्रंथ अवश्य होने चाहिए। आसन लगा करके बैठ के पाठ करें बहुत बढ़िया बात, नहीं तो कुर्सी पे बैठ करके, बिस्तर पे लेट करके, झूला में झूल करके, छत पे टंग करके, जैसे भी हमारा शरीर अलाउ करे, पर हमें ये गीता भागवत रामायण पढ़ना जरूर चाहिए, स्वयं अध्ययन करना चाहिए। धर्म का अगला लक्षण है शांति व्यवस्था बनाए रखना। संतोष समुद्र सेवा ग्राम में हो परम शनि, मन में संतोष रखना। समुद्र सेवा, सेवा करना धर्म है, ये तो सब जगह लिखा है, लेकिन भागवत में कह रहे हैं बोले समुद्रक सेवा। समुद्रक सेवा का अर्थ है सबकी समान भावना से सेवा करना। प्रसाद बांटने का काम दे दिया, जान पहचान वाले को तो दो लड्डू दे दिए, और अनजान आ गया चलो चलो भीड़ मत करो आगे बढ़ो, ये समुद्रक सेवा नहीं है। मौनम आत्मविमर्शनम, मौन रहना, आत्मचिंतन करना, ये धर्म का लक्षण है। श्रवणम कीर्तनम चास्य स्मरणम महताम गते, भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, तीर्थ यात्रा करने जाना, ये भगवान, ये सनातन धर्म के लक्षण है। सनातन धर्म को चार आश्रम और चार वर्णों में बांटा गया है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं। ब्राह्मण के लक्षण बतलाए गए हैं, शमो दमस्तप शौचम संतोष शांति राजवम ज्ञानम दयाचुतामस्त्रम सत्यम च ब्रह्म लक्षणम। ब्राह्मण को अपने मन को वश में रखने वाला होना चाहिए, इंद्रियों को जीतने वाला होना चाहिए, पवित्रता से रहने वाला, संतोषी स्वभाव का, शांत स्वभाव का, ज्ञानवान, दयावान, सत्य बोलने वाला और भगवान का भक्त, इतने लक्षण ब्राह्मण में होने ही चाहिए। ब्राह्मण के तीन काम है, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना और यज्ञ कराना, विद्याध्ययन करना और विद्याध्ययन कराना। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय, शौर्यम वीर्यम धृतिस्तेजस त्याग आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादस्य रक्षा च छत्र लक्षणम। क्षत्रिय को बलवान होना चाहिए, व्यायाम करके शरीर को पुष्ट रखें, युद्ध में चपलता, राजनीति का जानकार, धर्म की रक्षा करना, देश की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। प्रजाजनों से कर के रूप में जो धन आए उससे क्षत्रियों को निर्वाह करना चाहिए। देव गुरु गच्छते भक्ति त्रिवर्ग परिपोषणम आस्तिक्योद्यमो नित्यम निपुणम वैश्य रक्षणम। वैश्य को व्यापार करना चाहिए, धन का लेन देन करना चाहिए, खेती करना, गोपालन करना। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का पोषण, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र तीनों का पोषण वैश्य से ही होता है। शूद्र का लक्षण है सेवा। एक बात बहुत बढ़िया कही गई है, जो मंदिर में सेवा करने से ब्राह्मण को पुण्य मिलता है, वही पुण्य मंदिर की रक्षा करने से क्षत्रिय को मिलता है। वही पुण्य मंदिर में दान देने से वैश्य को मिलता है, वही पुण्य मंदिर की ध्वजा को प्रणाम करने से शूद्र को मिल जाता है। भागवत में नहीं लिख रहा है कि ये जाति बड़ी है, ये जाति छोटी है,
ये जरूर लिख रहा है कि सब लोग आपस में प्रेम से रहें। जो मोहल्ले में बुहारी लगाने आती है उसको क्या कहते हैं? मेहतरानी। और राजा की पत्नी को क्या कहते हैं? बोले रानी। रानी हमारे मोहल्ले में जीवन भर नहीं आए, काम चला लेंगे। मेहतरानी यदि 3 दिन नहीं आएगी मोहल्ले में तो जीना दुष्भार हो जाएगा। एक होता है खरबूजा और एक होता है संतरा, दोनों की बनावट में क्या अंतर है? बोले खरबूजे में बाहर लकीर ही लकीर है, लाइन ही लाइन बनी हुई है, लेकिन चाकू से काटा जाए अंदर कोई विभाजन नहीं है, अंदर पूरा खरबूजा एक ही है। पहले जो लाइन बनी हुई है ना, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये शूद्र, ये भंगी, ये चमार, ये धोबी, ये नाई, ये लाइन केवल मर्यादा की है। अंदर से पूरा समाज एक होता था, सब एक दूसरे का सम्मान करते, प्रेम करते थे। आज का जो समाज है वो संतरे की तरह है, छिलका बाहर एक है दिखाने के लिए, जरा सा कपड़े उतार दो, छिलका उतार दो, अंदर फांक ही फांक है, सब अलग अलग बटे हुए हैं। ये ओबीसी, ये एससी, ये बीसी, ये जनरल, ये फलाना, इतना बांट दिया है स्वार्थ के लिए, बहुत मन बांट दिए हैं आपस में। और जोर की भूख लग रही है, होटल में भोजन कर रहे हैं, जब तक हमारा पेट नहीं भरा तब तक हम परोसने वाले की जात नहीं पूछते, और जब पेट भर जाए तब हम पूछते हैं कौन सी जाति के। जो हमारे कपड़े धो करके प्रेस करके घर होम डिलीवरी दे रहा है हम उसकी जाति नहीं पूछ रहे हैं, और जब उन्हीं कपड़ों को पहन के बाबूजी बन जाते हैं तब हम जात की तरफ देखते हैं। जो हमारे घर को मकान को बना रहे हैं, चाहे कारपेंटर हैं, चाहे पेंटर हैं, चाहे दीवाल बनाने वाले हैं, जो भी हैं, जब तक हमारा घर नहीं बनता है तब तक हम उनकी जाति नहीं पूछते हैं। जिस दिन बनकर के घर तैयार हो जाता है फिर कोई घुसे तो हम जाति पूछते हैं। मैं एक थाली में भोजन करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मर्यादाएं रखनी चाहिए, लेकिन हृदय में किसी के प्रति घृणा नहीं रखनी है। इस घृणा का फायदा और लोग उठा रहे हैं, संसार में सबसे ज्यादा मुसलमान, उनके बाद ईसाई, उनके बाद बौद्ध, और हम हिंदू लोग बहुत कम होते चले जा रहे हैं इसी बंटवारे के चक्कर में। तुलसीदास जी महाराज कथा सुनने के लिए जा रहे थे, रास्ते में रहदास जी की दुकान थी, नाले के किनारे लकड़ी का खोका, लकड़ी की दुकान, पत्थर का कठोता, बड़ा कटोरा जैसा, चमड़ा भीग रहा है उसमें नरम करने के लिए। रहदास जी महाराज एक चमड़े के टुकड़े से चप्पल बनाने में लगे हैं, सिलाई करने में लगे हैं। राम 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 जाप चल रहा है और चप्पल बन रही है। तुलसीदास जी महाराज कथा सुनने जा रहे थे, आज थोड़ा देर हो गई है, बड़ी जल्दी में हड़बड़ी में थे, रहदास जी की दुकान आई, तुलसीदास जी ने प्रणाम किया, राम राम जी, जय सीताराम। रहदास जी बोले तो नहीं, पता नहीं क्या सूझा, कठोते में से जल लेकर के तुलसीदास जी को दिया। तुलसीदास जी ने जल ले लिया, लेकिन मन में विचार आया कठौते का पानी है, चमड़े का पानी है, पीऊंगा नहीं, पर एक संत ने दिया है इसलिए उसको अपने ऊपर छिड़क लिया। तुलसीदास जी के मोहल्ले में एक धोबी था जो जबरदस्ती इनके कपड़े धोने ले जाता, मैं संतों के कपड़े भी धो लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। पर धोबी में एक आदत बड़ी विचित्र है, कपड़ों पर जो दाग पड़ जाते थे ना उनको चाक चाक करके देखता, झूठा करके रायते का दाग है कि रसमलाई का है, सॉस लग गई है या चटनी लग गई है, और जैसा दाग लगा होता फिर उसी तरह के अवयव से उसे साफ कर देता था। आज तुलसीदास जी के दुपट्टे पर वो चमड़े के पानी का दाग पड़ गया है, धोबी के होठों पे कोढ़ था,
तुलसीदास जी का दुपट्टा जैसे ही मुंह से लगाया उसका कोर ठीक हो गया। कपड़ा धोने के बाद जब उसने देखा शीशा, अरे ये तो क्या हुआ, आज तो केवल तुलसीदास जी के कपड़े धोए हैं, हाँ हाँ दुपट्टे पर कुछ दाग थे। दौड़ा दौड़ा गया, तुलसीदास जी को प्रणाम किया, महाराज क्षमा करना, पहले तो गलती बता देता हूँ कि मैं कपड़ों को झूठा करके देखता हूँ, और फिर एक काम की बात, वो दुपट्टे पर निशान गाय के थे, वही चीज मुझे और दे दो, मेरे काम की है। तुलसीदास जी सोच रहे गाय के निशान, हमने तो कुछ ऐसा खाया पिया नहीं, याद आया, हाँ हाँ रहदास जी ने जल दिया था चमड़े का। तुलसीदास जी पधारे, रहदास जी को प्रणाम किया, तुलसीदास ब्राह्मण और रहदास चमार प्रणाम कर रहे हैं, बोले महाराज ये कठौते का पानी हमारे ऊपर डाल दीजिए। रहदास जी हंसे, बोले अब कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब, सवेरे जब तुम आए थे ना, मेरा ध्यान बरसाने में था, बहुत जोर की होली हो रही थी, प्रिया प्रियतम इसी में से पिचकारी भर भर के एक दूसरे पर चला रहे थे, राधा रानी भर भर के गागर डाल रही थी ब्रजवासियों के ऊपर, बड़ा आनंद आ रहा था। मेरा भी मन हुआ कि थोड़ा सा रंग मैं तुम्हारे ऊपर डाल दूं, मैंने भी तुम्हें दे दिया और तुमने भी अपने ऊपर छिड़क लिया। वो चमड़े का पानी नहीं था, वो तो श्री राधा रानी के भाग लीला का प्रसाद था। अब ना मेरा मन बरसाने में है, ना कोई होली हो रही है, और ना कोई ऐसा है यहाँ पर रंग है। तुलसीदास जी चरणों में गिर पड़े, बहुत बढ़िया दोहा लिखा, चतुराई चूल्हे पड़ो और धूरे मिलो अचार, तुलसी भगवन नाम बिन चारों वरण चमार। सभी लोगों को प्रेम से रहना चाहिए, यही हमारी भागवत सिखाती है। ऊंच नीच के चक्कर में हम कम ना हो जाएं, हम बढ़ते ही रहे। सनातन धर्म में चार आश्रम है, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचारी को गुरुकुल में गुरुदेव के साथ रहना चाहिए, विद्या अध्ययन करना ये ब्रह्मचारी का एक यज्ञ है। दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, गृहस्थी को पांच प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, इनमें सबसे पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ माने हर घर में गोपाल जी की सेवा होनी चाहिए, रोज सवेरे उठकर के घंटारी बजा करके जगाना, मंगल भोग रखना, स्नान कराना, श्रृंगार धराना, आरती दिखाना, आरती करना, भोग लगाना, ये ब्रह्म यज्ञ है, करना चाहिए, हर गृहस्थी को करना चाहिए। दूसरा है देव यज्ञ, तुलसी में जल चढ़ाना, सूर्य को अर्घ देना, करवा चौथ की पूजा, अगोई अष्टमी की पूजा, होली की पूजा, दिवाली की पूजा, सारे देवताओं को समय समय पर सम्मान देना, ये गृहस्थी को करना चाहिए। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, श्राद्ध तर्पण करने चाहिए। चौथा यज्ञ है भूत यज्ञ, भूत यज्ञ कई प्रकार से किया जाता है, भोजन बनाते ही अग्नि को भोग लगाना चाहिए, अग्नि की कृपा से भोजन मिल रहा है। आटे की गोली बना करके तालाब में मछली कछुआ को लिए डालना, भूत यज्ञ है। कबूतरों को दाना डालना, चिड़ियों को दाना डालना, भूत यज्ञ है। भोजन बनाया जाए, पहली रोटी गाय के लिए निकालनी चाहिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालनी चाहिए, भूत यज्ञ है। हर घर से यदि रोटी गौशाला पहुंचने लग जाए, 125 करोड़ लोग हैं देश में, 25 करोड़ चलो गाय के विरोधी हो सकते हैं, हालांकि दूध उनको भी चाहिए पीने को, दही उनको भी चाहिए खाने को, 100 करोड़ लोगों के बीच में 10 करोड़ गाय नहीं है, गिनती करी जाए। अगर एक गली में 25 घर हैं तो एक कमेटी बना लो, एक जना 25 घर से रोटी लेकर के गौशाला पहुंचाएगा,
हर व्यक्ति का नंबर कब आएगा? बोले 26वें दिन। आज मैं जाऊंगा, कल ये जाएगा, परसों वो जाएगा, तरसों वो जाएगा। हर व्यक्ति का नंबर 26वें दिन आएगा। यदि हर घर से गौशाला रोटी पहुंचना शुरू हो जाए तो फिर गायों के लिए मांगा जाची करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गायें पुष्ट हो जाएंगी। अब घर में रहते ही नहीं है, अब तो कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। पति देव भी कमा रहे हैं, पत्नी भी कमा रही हैं, भाग दौड़ इतनी बढ़ गई है, जल्दी से टिफिन बना करके पहले पति का टिफिन लगा दिया, जो रोटी गाय के लिए जानी होती है वो पति के लिए जाती है, फिर बच्चों का टिफिन बना दिया, आखिरी रोटी वो खुद खा लेती है, गाय की रोटी खा के बेचारा गाय जैसा हो जाता है सीधा साधा, और आखिरी रोटी जो खाती है वो थोड़े दिन में भौंकने लग जाती है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गृहस्थ का पांचवा यज्ञ है अतिथि की सेवा, अतिथि देवो भव। गृहस्थ के बाद तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। जब बच्चे घर का काम संभाल लें, धीरे धीरे दुनियादारी से मन हटाना शुरू कर देना चाहिए। कोई चीज बहुत कसके पकड़ रखी है और अचानक छोड़नी पड़े तो तकलीफ होगी, और धीरे धीरे पकड़ ढीली कर दें, छोड़ने का अभ्यास कर लें, छोड़ना पड़ेगा तो तकलीफ नहीं होगी। लगभग 50 वर्ष की आयु जब हो जाए तब धीरे धीरे घर छोड़ने की व्यवस्था करनी चाहिए। शरीर से रहना पड़े पर मन से ना रहें। अर्जुन ने पूछा है, बोले महाराज गृहस्थ में कैसा रहा जाए? श्री कृष्ण कहते हैं गीता जी ने, बोले पद्म पत्र मिमाम बसा। क्या मतलब हुआ? बोले जैसे कमल है तालाब में, तालाब में बाढ़ आ जाए तो कमल डूबेगा नहीं, तैरता हुआ ऊपर हो जाएगा। कमल के जो चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं वो तैरते हैं पानी के ऊपर, लेकिन पानी उनके ऊपर नहीं आता। कभी रहे हम गृहस्थ में, लेकिन गृहस्थ का प्रभाव हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, जो भजन पाठ पूजा छोड़ जाए। वानप्रस्थी का एक यज्ञ है आत्मचिंतन। आत्मचिंतन करते रहना चाहिए। चौथा आश्रम है संन्यास आश्रम, और सन्यासी का एक चिंतन है ब्रह्मचिंतन। चारों वर्ण चारों आश्रम वाला ये जो गृहस्थ है, सनातन धर्म की सूत्रधार स्त्री को बतलाया गया है। स्त्री को स्वयं शोभायमान रहना चाहिए और घर को शोभायमान रखना चाहिए। स्वयं दान पुण्य कथा कीर्तन में रुचि रखनी चाहिए, और अपने जो आश्रित हैं, चाहे बेटा हो या पति हो या ससुर हो, उनको भी धर्म के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए। पूज्य संत श्री डोंगरे जी महाराज ने अपने भागवत रहस्य में बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। बोले छत के ऊपर पानी की टंकी में पानी है तो बाथरूम में, रसोई में, वॉश बेसिन में, जहां जहां टोंटी लगी है वहां वहां पानी आता रहेगा। स्त्री का मन यदि धर्म में लगा हुआ है तो घर के सब सदस्य धर्म करते रहेंगे। सनातन धर्म को हमें वास्तविकता में जानना चाहिए। बहुत सुंदर वर्णन किया श्री युधिष्ठिर जी को आनंद आ गया, नारद जी पधारे। बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। सातवां स्कंद विराम हो गया। आठवें स्कंद के आरंभ में परीक्षित राजा ने पूछा, बोले महाराज मैं जानना चाहता हूं कौन कौन से मनमंत्र में भगवान का कौन कौन सा अवतार हुआ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, चारों युगों को मिला के एक मनमंत्र बनता है। कलयुग के अंत में प्रलय होती है, श्री ठाकुर जी दोबारा से सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग। ऐसा 28 बार हो चुका है। इस समय जो संकल्प किया जाता है उसमें बोलते हैं अष्टाविंशतमे कलयुगे प्रथम चरणे
हे प्रभो स्वायं वशेह वरो वंशोयम विस्तराश्रुत यत्र विश्व सजाम सर्गो मनुनन्यान वदसुन यत्र यत्र हरेर्जन्म कर्माणि च महीयस गणन्ति कवयो ब्रह्मन् तानि नो वदसृणवता। भगवान के विभिन्न अवतारों की कथा सुनाइए। श्री शुभदेव जी ने कहा, तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधस हरिरित्याहतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रह। सृष्टि के आरंभ में भगवान ने सबसे पहला अवतार हरि अवतार लिया। एक हाथी को मगर के मुंह से भगवान ने छुड़ाया। बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तममूचत। भगवान ने ये हरि अवतार किन कारणों से लिया, आप हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, आसीत् गिरिवरो राजन् त्रिकूट इति वेश्रुतः क्षीरोदेनापितः श्रीमान् योजनायतमश्रितः। त्रिकूट नाम का एक पर्वत है जो बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है। पर्वत पर कहीं बगीचा है, कहीं गुफा है, कहीं झरना है, कहीं उद्यान, कहीं उपवन, कहीं फल वाले वृक्ष हैं, कहीं सुंदर पुष्प वाले वृक्ष लगे हुए हैं। नाना द्रुम लता गुल्मय निर्घोषय निर्जराम भसाम। इतना सुंदर है ये पर्वत चारों तरफ से कि सिद्ध चारण गंधर्व विद्याधर महोर गई। सिद्ध चारण गंधर्व वहां आकर के कुछ रहना, कुछ समय रहना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं। बड़े बड़े होटल वालों को विज्ञापन करना पड़ता है कि देखिए हमारा कितना सुंदर है, आप लोग यहां करके रहिए, कुछ दिन हमारे प्रदेश में बिताइए, ऐसे विज्ञापन करना पड़ता है। ये त्रिकूट नाम का पर्वत इतना सुंदर है कि वहां देवता सुर गंधर्व किन्नर चारण आ करके भजन करते हैं। बहुत मनोरम स्थान है। आश्चर्य की बात यह है कि उस पर्वत का राजा एक हाथी है और उस हाथी के 100 पत्नियां हैं। यद गंध मात्रा धरे हो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्याल मृगास खड़गा महोरगस्यापि भयाद्रवंती स गौर कृष्णा शरवाश्यमर्य। हाथी के शरीर से ऐसी सुगंधी निकलती थी, बड़े बड़े जानवर छोड़ करके रास्ता भाग जाते थे, जहां हाथी जाए वहां खाली मैदान अपने आप हो जाता था। एक बार ये हाथी अपनी पत्नियों को लेकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। सूंड में जल भर भर के एक दूसरे पर डाल रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। तंत्र कश्चन नपदैव नोदितो ग्राहो वलीयां शरणे ऋषाग्रही यदच्छयैव विष्णुं गतो गजो यथा बलम सोदे बलो विचक्रमे। जिस समय हाथी अपने परिवार के सहित जल में स्नान करने का आनंद ले रहा था, उसी समय घटना हो गई। अचानक कहीं से एक मगर आ गया और मगर ने हाथी का पिछला पांव अपने मुंह में भर लिया और जकड़ के अपने जबड़े में हाथी को पानी में गहराई में ले जाने लगा। इत्थं गजेन्द्र स्वयदाप संकटम प्राणस्य देही विविशो यदच्छया अपारयन्नात्म विमोक्षणे चिरम दध्यामि माम बुद्धिमथाम पद्यता। हथनिया हाथी की पूंछ में अपनी अपनी सूंड लपेट लपेट करके खींचने का प्रयास करने लगी।
बड़ा आश्चर्य है। सौ हतनी एक तरफ अकेला मगर एक तरफ हतनियों का फल कमती पड़ गया। ये हाथी को गहराई में लिए चले जा रहा है। जैसे ही घुटनों से ऊपर पानी बढ़ने लगा सब हतनियों ने हाथी को छोड़ दिया। अरे ये तो मर रहा है, हम क्यों मरे। किसी ने कहा है कि इतनी जल्दी हनुमान चालीसा करो, इतनी जल्दी सुंदरकांड करो, इतनी जल्दी माला करो ना। पानी पूरी खाने जाएंगे तो ध्यान से खाएंगे, इधर चटनी लगा, इधर सौंठ लगा, जूता खरीदने जाएंगे तो ध्यान से खरीदेंगे, कपड़ा खरीदने जाएंगे तो ध्यान से खरीदेंगे, पिक्चर देखने जाएंगे तो और ज्यादा ध्यान से देखेंगे। दुनिया के सारे काम जब हम ध्यान से करते हैं तो भगवान का भजन भी ध्यान से ही करना चाहिए। जिस समय हम भगवान का भजन कर रहे हैं हमारा ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जा रहा है। आज हाथी ने भगवान को बुलाने में बढ़िया नाम चुना, हे गिरधारी आई है। गिरधारी नाम क्यों लिया? बोले कहीं तुम हमें देख करके कह दो कि हाथी तुम बहुत मोटे हो, भारी हो, हमसे उठोगे नहीं। आप गिरधारी हैं, आप मंदराचल पर्वत उठा चुके हैं, आप श्री गोवर्धन धारण कर चुके हैं, मैं तो उनसे बहुत हल्का हूं। ठाकुर जी पधारे, सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, मगर का मुंह खोल दिया, हाथी को गोदी में लेकर के अपने धाम के लिए ले गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मंदिर में बैठा है, श्री अगस्त ऋषि आ रहे हैं। इसने सोचा आंख बंद करके झूमने लग जाओ, ऋषि को लगेगा कि मैं भजन कर रहा हूं, खड़े होकर के प्रणाम नहीं करना पड़ेगा, भेंट नहीं करनी पड़ेगी। ऋषि जान गए ये नाटक कर रहा है। बोले अच्छा हाथी की तरह झूम रहे हो, जाओ हाथी बन जाओ, क्षमा मांगी, हमारा कल्याण कैसे होगा। बोले जब अंत समय आए तो भगवान को याद करना। ओहो नाम का गंधर्व नग्न होकर के गांधर्वियों के साथ तालाब में पड़ा हुआ था। देवल नाम के ऋषि जा रहे थे, ऋषि को देख करके जल में अंदर घुस गया। इसने सोचा ऋषि गए होंगे, फिर बाहर आ गया। ऋषि ने समझाया कि ये सार्वजनिक स्थान है, अश्लील हरकत नहीं करनी चाहिए, ये असामाजिक कार्य है। ऋषि की बात को आया गया कर दिया, श्राप दे डाला, तुम मगर बन जाओ। जब श्राप लगा तब अकल ठिकाने आ गई। महाराज कल्याण कैसे होगा? बोले भक्त के चरण पकड़ लेना। हाथी के चरण पकड़ने से इसका कल्याण हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिनके घुटनों में वास्तव में तकलीफ है वही लोग कुर्सी पे बैठे हैं। आज नंद महोत्सव है, भीड़ वैसे ज्यादा आएगी। हर कथा में आज के दिन कुछ लोग आते ही हैं, तो व्यवस्था में सहयोग के लिए जो नीचे बैठ सकते हो वो नीचे बैठ जाएं, और जो वास्तव में डॉक्टर ने कह रखा है या शारीरिक कष्ट है वो लोग बैठ बैठे। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ में पधारे। बहुत सुंदर प्रार्थना करी, भगवान प्रसन्न हो गए और अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहनाई। संतों की, गुरुओं की, भगवान की माला पहनने से ऐश्वर्य बढ़ता है, वृद्धि होती है। बैकुंठ से दर्शन करके दुर्वासा जी लौट रहे थे, रास्ते में इंद्र की सवारी दिखाई दी। इंद्र आ रहा है, क्यों ना ये माला इंद्र को पहना दी जाए, जिससे इंद्र उन्नति करेगा, देवता संपन्न हो जाएंगे। दयानिधि श्री दुर्वासा जी ने माला उतार करके हाथी पर बैठे हुए इंद्र को पहना दिया। आज इंद्र को अभिमान आ गया, मैं देवताओं का राजा होकर के एक बाबा जी के गले की माला पहनूंगा? नहीं नहीं, उतार करके माला आगे हाथी के सिर के ऊपर रख दी। हाथी भी तो इंद्र का ही था ना,
उठाई नहीं चपट की और कुचल डाली। एक तो दुर्वासा जी वैसे ही आई नहीं थले में मिल और ऊपर से जो माला की दशा देखी श्राप दे डाला इंद्र। जो दशा माला की करी गई है वही दशा बहुत जल्दी तुम्हारी हो जाएगी। देवताओं का बल घटने लगा, इंद्र परेशान होकर के नारायण के पास वैकुंठ में पहुंचा। हे प्रभु, हम अनेक प्रकार से कष्ट में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि अमृत पान कर लिया जाए, अमृत पीने के बाद तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, अमृत कहां से निकलेगा। बोले जैसे दही बिलोने से मक्खन निकलता है, ऐसे ही समुद्र का मंथन करने से अमृत की प्राप्ति होगी। कितना बड़ा समुद्र है, कैसे मंथन होगा। भगवान ने कहा मंदराचल पर्वत को ला करके बीचों बीच समुद्र में रखा जाए। महाराज इतनी बड़ी रस्सी कहां से आएगी। विश्व में इस समय सबसे बड़ा सांप वासुकी सर्प है, उसे बुला लाओ वो लिपट जाएगा आकर के, उसी से इसको चला लेंगे। सारे देवताओं ने पर्वत के नीचे की मिट्टी खोद खोद करके जगह बनाई उठाने के लिए, लेकिन हिला भी नहीं पाए। भगवान से प्रार्थना करी, गरुड़ पर बैठ करके गोविंद पधारे, बाएं हाथ से पर्वत को उठाया, बीचों बीच समुद्र में ला करके पधरा दिया। बुलाने के लिए गए वासुकी को, चलो ना शरीर बिगड़ा जाएगा मेरा, खींचोगे मुझे और अमृत पियोगे तुम, मैं नहीं जाता हूं। भगवान ने कहा उसे पाप के बाप का नाम सुना दो, अपने आप आ जाएगा। पाप के बाप का नाम है लोभ। जहां लोभ दे दो, पुजारी जी को लोभ दो मंदिर में घुस जाओ, पुलिस को लोभ दो कोई भी चीज ले आओ, बहुत सारे काम लोभ से गड़बड़ हो गए हैं। देख भाई, जब अमृत निकलेगा तब हम तुझको अमृत पिलाएंगे और ये कथा पुराणों में गाई जाएगी। हजारों सांप हैं, केवल तुम्हारा नाम पुराणों में लिया जाएगा कि वासुकी सांप को समुद्र मंथन में काम में लिया गया। जो भगवान ने समझाया वासुकी आ गया, आकर के लिपट गया। अब बोले चलो इसको हिलाओ चलाओ, देवताओं का बल कम पड़ने लगा। अब क्या किया जाए, बोले दानवों को बुला लेना चाहिए, ये अमृत पी जाएंगे। बोले ये मेरी जिम्मेदारी है, किसको देना है किसको नहीं देना। बुद्धिमान वही है जो अपना काम निकाल ले, अपना काम बना ले। मजदूर की तनख्वाह कम होती है और मैनेजर की ज्यादा होती है। मैनेजर का कमरा ज्यादा बढ़िया होता है, मजदूर के रहने की जगह उतनी बढ़िया नहीं होती है। किस लिए, बोले मैनेजर मजदूरों से काम लेना जानता है। चलो भाई, एक तरफ देवता लग जाओ और एक तरफ दानव लग जाओ। दानवों ने कहा ठहरो, हम पूंछ की तरफ नहीं लगेंगे, हमारी इतनी बड़ी बड़ी पूंछ और हम पकड़े हैं पूंछ, नहीं नहीं हम तो सिर की तरफ लगेंगे। भगवान ने कहा देवताओं आप लोग पूंछ की तरफ लग जाओ। देवता बेचारे झट पूंछ की तरफ लग गए। क्या सीखना है इन बातों से, बोले जो कहना माने वो देवता और जो कहना नहीं माने वो राक्षस। घर में कोई बच्चा है, कोई मेहमान आए, पूछा जी ये कैसा है। अरे 5 बजे उठ जाता है, सुबह उठते ही हमारी पैर छूता है, हनुमान चालीसा करता है, स्कूल जाता है, आते ही होमवर्क करता है, हमारे कामों में भी हमारी सहायता कर देता है, ये बच्चा तो देवता है, कोई स्वर्ग से नहीं आया है। लेकिन आचरण के कारण उसको सब देवता कहते हैं। और कोई बच्चा बात बात में चिल्लाए, बात बात में रोए, घर के काम नहीं करे, कहना नहीं माने, उल्टी सुल्टी बात करे, उसके बारे में पूछा जाए ये कौन है, बोले ये मरा था महाराज राक्षस है, कोई श्रीलंका से थोड़ी आया है, लेकिन अपने आदतों के कारण उसको राक्षस कहा जाता है।
एक दूसरे से सहमति बनाए रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। समुद्र मंथन होने लगा, अभी संतुलन नहीं बन रहा है, पर्वत नीचे ही नीचे चला जा रहा है। भगवान कछुए का रूप धारण करके पर्वत के नीचे लग गए हैं। बिलो के विघ्नेश विधि तदेश्वरो दुरंत वीर्यो वितथा विसंधि कृत्वा वपु काच्छप मद्भुतम् महत् प्रवेशतोऽयं गिरिमुज्जहार। भगवान कछुआ क्यों बने? बोले कछुआ की पीठ मजबूत होती है, हमें हमेशा अपनी पीठ मजबूत रखनी चाहिए, अपने जो बड़े हैं उनका आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर बनाए रखना चाहिए। पीठ मजबूत का ऊपर कि हाँ हमारे ऊपर कोई है, हमारे ऊपर किसी का आशीर्वाद है, हम अच्छे संरक्षण में हैं। कई कारण है भगवान कछुआ क्यों बने? बोले बहुत दिन से पीठ में खुजली मच रही थी, हाथ पैर में खुजली मचे तो अपने आप गुजार लो, पीठ में मजे तो दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तुम जरा खुजालना, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, अरे दाएं थोड़ा बाएं, खुजालने वाला भगवान बोले कछुआ बन जाएंगे, जब पर्वत का रिगड़ा लगेगा तो ढंग से खाज मिट जाएगा। कच्छप अवतार से कुछ शिक्षा भी लेनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा नाम नहीं बोला गया, हमारा फोटो नहीं खिंचवाया, हमें माला नहीं पहनाई, हमको मंच पे नहीं बुलाया। समाज सेवा कच्छप भगवान की तरह करनी चाहिए, छुप कर के नीचे होकर के। अमृत कोई भी जाएगा, कामधेनु गाय कोई ले जाएगा, चंद्रमा कोई ले जाएगा, मणि कोई ले जाएगा, लक्ष्मी कोई ले जाएगा, कच्छप भगवान को क्या मिलेगा? बोले धन्यवाद भी नहीं मिलेगा, फिर भी बोले सबका सहयोग करना चाहिए। कछुआ चल करके आता है, पैरों को सुखेड़ देता है, भोजन करके मुंह को भी सुखेड़ देता है, काम काज करके छुप करके रहो, ज्यादा उछल करके चले बहुत तरह की परेशानी आ जाएगी। बोलो कच्छप नारायण भगवान की जय। समुद्र मंथन होने लगा, सबसे पहले जहर निकला, सब लोग घबरा गए, बोले महाराज ये क्या हुआ? भीता प्रजा दुर्द्रवर नरसेश्वरा अरक्षमाणा शरणम सदाशिवम। भगवान ने भोलेनाथ को बुलाया, बोले ये जहर पिएंगे, जहर को बचाने की ताकत शंकर में है। क्यों है? बोले घर है ठंडा, कैलाश पर रहते हैं, दिमाग ठंडा है, गंगा जी निकलती हैं, माथा ठंडा है, चंद्रमा धारण कर रखा है, जो हर तरह से ठंडा है वो हर तरह के जहर को पचा सकता है। मरने के लिए एक बार जहर पीना पड़ता है, पर जिंदा रहने के लिए, घर चलाने के लिए, गृहस्थ को तरीके से चलाने के लिए कई बार जहर पीना पड़ता है। जहर पीने का मतलब है सहन शक्ति, ऐसा ना हो कि घर पे जाके जहर पी लो, अखबार में आए बोले कथा में आईडिया लाए थे, आकर के पी लिया। सहन शक्ति ही सबसे बड़ा जहर है, अलग हो जाना, छोड़ करके पियर भाग जाना, माँ बेटे को अलग अलग करा देना, भाई भाई को अलग करा देना, ये कोई समाधान नहीं है। जहां हम रहेंगे वहां एक दूसरे की तो सहन करनी पड़ेगी, चाहे हॉस्टल में रहें, चाहे सामूहिक घर में रहें, जहां भी रहें, अलग होने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। हाँ घर छोटा है, जगह नहीं है, सामान से अलग हो, मन से अलग फिर भी नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने विषपान किया, जहर को ऊपर की तरफ नहीं ले गए, हृदय में भी नहीं उतारा, गले में रोक लिया, गला नीला पड़ गया, शंकर जी का नया नाम पड़ा। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया बढ़िया बात आती है, बोले जो अमृत पिए उसे देव कहते हैं और जो विष पिए उसको महादेव कहते हैं।
और जो विष पी करके अमृत पीने की एक्टिंग करे उसे पति देव कहते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समुद्र मंथन होने लगा, काम धेनु गाय निकली ऋषियों को दे दी, उच्च श्रवा घोड़ा निकला राक्षसों के लिए दे दिया, ऐरावत हाथी निकला इंद्र के लिए दे दिया, कौस्तुभ मणि निकली भगवान को भेंट कर दी, चंद्रमा निकला आकाश में चला गया, शराब निकली फेंक दी, बोले जो पिएगा वो पछताएगा। ततश्चा विर्भो साक्षा श्री रमा भगवत परा रंजयंती दशत कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। जैसे बादलों के बीच में बिजली चमकती है ऐसे ही सभी के बीच में बड़े चंचल स्वभाव वाली बहुत सुंदर एक देवी प्रकट हो गई, जिन्होंने हाथ में वरमाला ले रखी थी। ये कौन है? लक्ष्मी जी हैं। धनतेरस वाले दिन इनका जन्म हुआ है, लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है? बोले दिवाली वाले दिन भगवान नारायण के गले में इन्होंने माला डाल दी। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बड़ा सामान निकल रहा है, 14 रत्न निकले, देवता बोले अमृत कब निकलेगा? बोले फिर से प्रयास करो। अब की बार धन्वंतरी भगवान प्रकट हो गए, एक भुजा में अमृत का कुंभ, एक भुजा में आयुर्वेद, एक भुजा में औषधि और एक भुजा से आरोग्य का आशीर्वाद देते हुए प्रकट हुए। देवता और दानवों के बीच में अमृत का कुंभ रख करके धन्वंतरी भगवान अंदर ध्यान हो गए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। गरुड़ जी आए, झपट्टा मार के अमृत के कुंभ को ले गए, छीना झपटी में जहां जहां अमृत की बूंदें गिरी वहां वहां कुंभ मेला उन्हीं नक्षत्रों में उन्हीं योगों में लगता है। भगवान ने कहा गरुड़ जी आओ अमृत को। देवता दानवों के बीच में रख दिया, लड़ने लगे, अहम पूर्व न तुम नाम जी प्रभो, तुम्हें नहीं देने देंगे, नहीं नहीं हम पहले लेंगे। भगवान ने देखा कि झगड़े में लुढ़का करके अमृत को फैला लाने बड़ी मुश्किल से निकला है। उसी समय श्री ठाकुर जी ने बहुत सुंदर महिला का रूप धारण किया, जो देखता है उसी का मन मोहित हो जाता है, भगवान का नाम मोहिनी पड़ गया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। मोहिनी भगवान को देखते ही सब लोग अपनी सुध-बुध खो बैठे, जो जहां था वहीं बैठे बैठे ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। भगवान ने कहा आप लोग कौन हैं? राक्षस बोल पड़े वयम कश्यप दायादा कृतम में हित गौरषा, हम कश्यप के पुत्र हैं, हमने ही अपने बल से ये अमृत निकाला है। अच्छा, और वो कौन है जो बैठे हैं? बोले वो देवताएं ढीले ढाले उनके बस की नहीं थी, हम आए तब अमृत निकला, मेहनत तो उन्होंने भी करी, बोले बहुत थोड़ी सी करी। तो सुनिए, मैं आप लोगों को अमृत पिलाने के लिए आई हूँ। बड़े खुश हो गए, आप पिलाएंगे? बोले जी हाँ, एक काम किया जाए, यदि आप लोगों की सहमति हो तो ऊपर का झाग झाग पतला पतला ये देवताओं को पिला लेते हैं और नीचे का जो गाढ़ा है तत्व है माल है वो हम आपको पिला देंगे। भगवान के रूप पर मोहित हो रहे थे, ये जो कह रही है वो बढ़िया ही कह रही है, जैसा आपको अच्छा लगे आप करिए। सारे देवता एक पंक्ति में बैठ गए, भगवान अमृत पिला रहे हैं। देवताओं के बीच में एक राक्षस जाकर के बैठ गया, उसने भी अमृत पी लिया। सूरज चंद्रमा ने शिकायत करी, महाराज ये राक्षस है, चक्रेण चुरधारेण जहारा पिबत शिर, दो कर दिए राहु और केतु अलग बना दिए अलग अलग, सूरज चंद्रमा पर ग्रहण आते ही रहते हैं। कभी किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, चाहिए जो हो रहा है वो हो रहा है। देवताओं ने अमृत पान कर लिया है, राक्षस ये बात सहन नहीं कर पाए, देवता और दानवों का भयंकर युद्ध होने लगा। देवता जीत गए, दानव हार गए। दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने संयमनी विद्या के द्वारा दानवों को पुनः जीवित कर दिया,
संग्रामे वर्तमानानां कालनोदित कर्मणां। जब से ये समुद्र मंथन हुआ है तब से दानवों ने एक योजना बनाई, अब हम लोग अलग अलग नहीं रहेंगे, अलग अलग राज्य अलग अलग राजा नहीं होगा, अब सबरे दानव मिलकर के रहेंगे। रहें किसी भी देश में, भाषा सबकी एक होगी, पहनावा सबका एक होगा, सनातन धर्म के जो विरोधी हैं वो बहुत जल्दी एक हो जाते हैं, और सनातन धर्म को जो मानने वाले हैं वो एक नहीं हो पाते, उनमें अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मत, अलग अलग देवता, अलग अलग पुराण, अलग अलग विचार, बहुत ज्यादा बटे हुए हैं। राक्षस बहुत जल्दी एक हो गए और राक्षसों ने अपना राजा बलि को स्वीकार कर लिया, राक्षस राज बलि सबका राजा हो गया। राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद लेकर विश्वजित नाम का यज्ञ किया। विश्वजित यज्ञ की पूर्णाहुति में अक्षय रथ और अक्षय माला निकली। गुरुदेव ने वो माला अपने हाथ से बलि को पहना दी। रथ में बैठ करके जहां भी युद्ध करने जाओगे वहां तुम्हारी विजय होगी। गुरुदेव को प्रणाम करके राजा बलि युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। जहां भी जाता था कोई जीत नहीं पाता है। देवता बलि को आता हुआ देखते अपने अपने लोगों को छोड़ करके भाग जाते थे। पशु पक्षियों का रूप बनाकर वृक्षों की खोंदरों में, पर्वतों की गुफाओं में छिप छिप करके देवता रहने लगे। देवताओं की माता अदिति के मन में विचार आया, अपने पति देव कश्यप जी से प्रार्थना करी, हे पति देव, ये जो राक्षस हैं ये मेरी बहन के ही बच्चे हैं, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बेटे राजा बन जाए और मेरी बहन के बेटे भिखारी बन जाए। मैं चाहती हूं कि बहन के बच्चे भी प्रसन्न रहे और मेरे भी बच्चे प्रसन्न रहे। बच्चे आपस में लड़े नहीं, युद्ध नहीं हो, और बिना युद्ध किए मेरे बेटों को हिस्सा मिल जाए, उनका राज्य उनको वापस मिल जाए जो बलि ने छीन लिया है, ऐसा कोई उपाय बतलाई। लड़ाई भी ना हो, बहन के भी बच्चे प्रसन्न रहें और हमारे बच्चे भी प्रसन्न हो जाएं, सबको प्रसन्न रखने का उपाय तो केवल श्री ठाकुर जी ही कर सकते हैं, भगवान ही कर सकते हैं, और कोई सबको प्रसन्न नहीं कर सकता। पयोव्रत नाम का व्रत बतला दिया गया। फाल्गुन से श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हुए केवल दूध पी करके भगवान की शरणागति का नाम जपते हुए प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आइए मेरे गर्भ से अवतार लीजिए। बामन भगवान देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माता अदिति के गर्भ में आ गए। देवताओं ने देखा कि हमें स्वतंत्र कराने के लिए, हमारा राज्य हमें दिलवाने के लिए भगवान आ रहे हैं। भगवान की गर्भगत स्तुति करने लगे देवता। जयो उरुगाय भगवन उरुक्रम नमोस्तुते, नमो ब्रह्मण्य देवाय त्रिगुणाय नमो नमः। नमस्ते प्रश्न गर्वाय वेद गर्वाय वेदसे, त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिव विष्ठाय विष्णवे। प्रार्थना करके देवता लोग चले गए। भादों का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि मध्याह्न 12 बजे कश्यप और अदिति के यहाँ भगवान का अवतार हुआ। बोलो बामन भगवान की जय। जन्म लेने के बाद बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते कितना बड़े बोले, नाप के देखा तो बामन अंगुल ही इनकी ऊंचाई थी। जाति के बामन हैं और
जो देखता है उसका मन मोहित हो जाता है कि बस इनको ही देखते रहे। सबका मन जो खींचने में सामर्थ्यवान है उनका नाम बामन है। बामन भगवान के प्रकट होने पर सभी देवी देवता अपनी अपनी प्रिय वस्तु बामन भगवान को भेंट करने के लिए पधारे। तम भटम बामनम दृष्ट्वा मोदमानाम हर्षय कर्माणि कार्यामासु पुरस्कृत्य प्रजापतिम तस्योपनीयमानस्य सावित्री सविता ब्रवीः बृहस्पतिर्ब्रह्म सूत्रम् मेखलाम् कश्यपो ददात। माता ने उनके लिए कोपीन पहनाई, पृथ्वी ने उनके लिए खड़ाऊ भेंट करी, ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया, आकाश ने छत्र भेंट किया, चंद्रमा ने दंड भेंट किया, सरस्वती जी ने माला पहनाई, सप्तऋषियों ने कुशाका आसन दिया। सब लोगों की वस्तु स्वीकार कर ली बामन भगवान ने। चल पड़े कहां, जहां पर राजा बलि दान दे रहा है। बलि ने राज्य लिया तो है, पर कोई भी द्वार पर आए, कैसे भी आए, कुछ भी मांगने आए, मना नहीं करता है। तत्कालीन राजा बलि के राज्य में जितने भी तीर्थ थे उन तीर्थों में जा जाकर के बलि यज्ञ करता था और दान किया करता था। इस समय बलि कहां पर है? तम नर्मदाया तत्पोत्तरे बले यवृत्कुटस्थे प्रभु कक्ष संगे प्रवर्तयन्तो भगव क्रतुत्तम विचक्षताराधुरितम यथा रवि। जिसे आजकल भरूच नाम से जानते हैं गुजरात में, सूरत बड़ौदा के बीच में उस तीर्थ का नाम भृगु कक्ष है। पुराणों में राजा बलि वहीं यज्ञ कर रहा है। बामन भगवान एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, बगल में लगाया आसन और दंड, खड़ा नाम पहन करके राजा बलि के द्वार पर पहुंच गए। बलि अपने महल के चबूतरे पर खड़ा था, जो द्वार पर देखा, आहा इतना सुंदर ब्राह्मण, दौड़ करके आया, आकर के प्रणाम किया। स्वागतम दे नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किम कर बामदे ब्रह्मर्षीणाम तपस्साक्षान मन्ने द्वारिय बपुर धरम। आइए आइए आपका स्वागत है, हे ब्राह्मण भगवान आप कैसे आए हैं। राजा हमने सुना है कि तुम दान देते हो, ब्राह्मण का काम है दान लेना और दान देना। आज हम आपके यहाँ दान मांगने के लिए आए हैं। आह आनंद आ गया। अजना पितर तृप्ता अजना पावित अद्य कृष्ण कृतुरय यद भवान आगत ग्रह। ऐसा लगता है मेरे कई जन्मों की तपस्या आज पूर्ण हो रही है, ऐसा लगता है पीढ़ियों का तप आज पूर्ण हो रहा है, जो आज आप हमारे यहाँ पधारे हो। बोलिए ब्राह्मण भगवान मैं आपको क्या दान में दूं? ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, चैन से भजन करना है और चैन से भजन करने के लिए तीन कदम पृथ्वी चाहिए, वो भी हम नापेंगे, ये नहीं किसी और से नपवाते। अरे महाराज तीन गांव मांग लेते, तीन जनपद मांग लेते, तीनों लोगों का राजा हूं, तीन राज्य भी मांग लेते तो मैं आपको दे देता, इतना कम क्यों मांग रहे हो? अतिदृष्णा परो व्याधि, ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। नहीं नहीं और लीजिए। नहीं बिल्कुल नहीं चाहिए। शुक्राचार्य अंदर वाले कमरे में ये बाहर की सारी बातें सुन रहे थे, मन में विचार आया, हमेशा तो मांगने वाला कहता है ये दो ये दो ये भी दे दो, और देने वाला कहता है नहीं 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 इतने में काम चलाइए। आज पहली बार ऐसा मांगने वाला आया है जहां देने वाला कह रहा है कि और लो, और लेने वाला कह रहा है कि नहीं चाहिए। कौन है इतना त्यागी तपस्वी चल करके दर्शन करें?
जैसे शुक्राचार्य जी बाहर आए देखते ही पहचान गए, राजा ओरे में आ जा, थोड़ा इनसे दूर रहना। किनसे? बोले जो तेरे सामने खड़े हैं। अरे कितना सुंदर बाबा है। बोले बाबा नहीं है, तेरे पे दावा कर देगा, तेरा घर बार सब छीन लेगा। कौन है? एश वही रोदने साक्षात भगवान विष्णु रखो कश्यपाद निर्जातो देवानाम कार्य साधको। ये भगवान नारायण हैं, कश्यप और अदिति के यहां देवताओं का कार्य बनाने के लिए अवतार लेकर के आए हैं। राजा हंसने लगा, क्यों हंस रहे हो? हे गुरुदेव, गुरु का काम है शिष्य को भगवान से मिलाना, भगवान से परिचय कराना, और आज भगवान सामने खड़े हैं, बजाय मिलाने के आप मिलने नहीं दे रहे हो और अलग होने के लिए कह रहे हो कि उनसे दूर रहना। आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं तो दान दूंगा। गुरु जी बोले मैं नहीं देने दूंगा। बामन भगवान बोले हम जा रहे हैं। क्यों महाराज? बोले झगड़े का दान नहीं लेना है। नहीं नहीं रुकिए, मैं अपने गुरुजी को मनाता हूँ। सुनो, तुम अपने गुरु को मनाते रहना, जब तुम्हारे गुरु मान जाए तब दे देना। खाली संकल्प कर लो कि हम जो मांगेंगे वो तुम जरूर दोगे। ठीक है, संकल्प कर लेते हैं, लाइए जल लाइए। बामन भगवान ने कमंडल टेढ़ा किया जल देने के लिए। ये शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की नली में घुस गए। ना जल निकलेगा और ना एग्रीमेंट होगा। संकल्प माने एग्रीमेंट। भगवान जान गए कहां गड़बड़ हो रही है। कुशा के आसन में से कुशा निकाली और जो कमंडल की नली में डाली, शुक्राचार्य की एक आंख फोड़ डाली, फड़फड़ा करके बाहर आ गए। डाली डाली पे नजर डाली, जिस डाली पे हमने नजर डाली वो डाली माली ने कतर डाली, फड़फड़ा के आ गए। कूर कहे सुन ले गुनीजन, ओ मंगन बीच पड़ो मत कोई, बीच पड़ो तो नीकी करो, नीकी ना हो तो चुप रहो सोई। बामन और बन के दरम्यान में आन अखारत भई गत सोई, अरे देत हतो कोई लेत हतो कोई, या शुक्र ने आंख अखारत खोई। कभी कोई दान पुण्य करे तो बिचकी नहीं लगानी चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। दिया है सो देख ले जो कर दिया होए। दिया माने दिया हुआ, हाथ से दिया, और दिया माने चिराग ज्योति। संकल्प कर लिया। हे ब्राह्मण भगवान, जो आप मांगेंगे वो हम आपको देंगे, नाप लीजिए आप। बामन भगवान ने अपना बायां चरण बढ़ाया, सीधा शेष के माथे पर पहुंचा दिया। दायना चरण ऊपर की तरफ उठाया, सीधा ब्रह्मलोक में पहुंचा दिया। दो ही चरणों में नीचे से ऊपर तक सारा नाप डाला। अब बोले बताओ बलि, तीसरा चरण में कहां रखूं? बलि भगवान के सामने चरणों में गिर पड़ा और कहा, यद तम श्लोक भवान ममेरितम बचो विलीकम सुरवर्य मन्यते, करो मृतम तन्न भवे प्रलम्बनम पदम तृतीयम कुरुशीष्ट मे निजम। हे प्रभो, तीसरा चरण आप हमारे माथे पर रख दीजिए। तीनों लोग चौदह भुवन दान में ले लिए। बलि वरदान मांगो। वाह, अभी अभी सब ले लिया और फिर कहते हैं मांगो, जब देना था तो लिया क्यों? बोले तुम्हारे काम की चीज नहीं है, दुनिया का तुमने छीना है, इसलिए तो हमने ले लिया। और हम जो देना चाहते हैं वो देंगे, जिससे तुम हमेशा हमारे बने रहो, हम और तुम मिलकर के रहें, ऐसा कुछ हम देंगे।
ठीक है महाराज वरदान दीजिए। यत्र यत्र शिरोमदीयम तत्र तत्र तव स्वरूपम, यत्र यत्र शिरोमदीयम तत्र तत्र पदमदयम च, यत्र यत्र मनोमदीयम, जहां भी मैं प्रणाम करूं मुझे आपका दर्शन हो। वरदान दीजिए कि आप मुझे छोड़ करके कभी नहीं जाएंगे। तथास्तु, राजा ने अपने महल के सामने दिव्य मंदिर बनवा दिया। वामन भगवान बलि राजा के यहाँ विराज रहे हैं। राम वचन के गाड़े राजा बल के द्वारे ठाड़े। राजा हर समय भगवान का दर्शन करता रहता है। हर गुण गाते, वीणा बजाते, कीर्तन करते। श्री नारद जी एक बार वैकुंठ पधारे, देखा लक्ष्मी जी रो रही हैं, बहुत दुखी हैं। क्या हुआ माता जी, कैसे दुखी हो रही हैं? नारद बहुत दिन हो गए नारायण लौट करके नहीं आए। पहले कोई छोटा सा शॉर्ट कार्यक्रम बनाते ना, वारावन के जाते, मछली कछुआ ऐसे बहुत जल्दी लौट करके आ जाते थे। और कोई बड़ा कार्यक्रम बनाते थे राम जीवन के जाते तो हमें ले जाते सीधा जी बना के। अब की बार ना तो बता करके गए और ना जल्दी लौट करके आए। मोबाइल भी आउट ऑफ रेंज जा रहा है, पता नहीं कहां जा करके विराजे। नारद जी ने कहा हम बताएं माता जी, अब भगवान कभी लौट करके नहीं आएंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले भक्त को वरदान दे दिया है, कभी छोड़ करके नहीं जाऊंगा। जब वरदान ही दे दिया है तो फिर छोड़ करके कहां से आएंगे, वो तो वहीं रहेंगे। लक्ष्मी जी दुखी हो गए। बोले नारद कोई तरीका है जो हमारे पति देव हमें मिल जाए? हाँ है, कान में तरीका बतला दिया। सावन की पूर्णिमा, सोने की थाली, रोली चावल मिठाई राखी लेकर के लक्ष्मी जी छमछम करती हुई राजा बलि के यहाँ पहुंच गई। बलि भैया राम राम। बलि राम राम तो कर रहा है पर सोच रहा है कि तुम हमारी बहन कैसे हो गई? सुतर लोक के तुम राजा हो, सुतर लोक से मेरा जन्म हुआ है, मेरा जन्म भी पाताल से हुआ है, तुम पाताल के राजा हो, गांव के नाते से हम भाई बहन हो गए। मन में जान गया कि जब नारायण आ गए तो लक्ष्मी कहां से रह जाएगी? ये गांव का नाता नहीं है, ये राम का नाता है। कैसे आई? बोले राखी बांधने आई। अरे राखी बांधनी है तो ऐरावत हाथी के बांधो जो तुम्हारे साथ पैदा हुआ था। नहीं नहीं, उसके नाम की राखी तो कहीं मिलती नहीं है। घोड़े के बांधो चैश्र भागे। बोले वो राक्षसों के साथ रहता है, संग खराब है उसका। चंद्रमा के बांधो, वो भी तो तुम्हारा भाई है। बोले नहीं, उसको कलंक लग गया है। मैं तो राखी आज तुम्हारे ही बांधूंगी। ठीक है लो, चलो राखी बांधो। बलि की पत्नी आई, कान में बोली पहले दक्षिणा तय कर लो। क्यों? पति ने मांगा तो घरवार सब छीन लिया, और पत्नी कहीं ऐसा नहीं मांग ले जो भोजन भी बंद हो जाए। बलि ने कहा देवी आज हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है? दुनिया जिनके आगे हाथ फैलाती है, वो नारायण वो लक्ष्मी दोनों आज हमारे सामने याचना कर रहे हैं, हाथ फैला रहे हैं। ऐसा मौका इतिहास में कभी किसी को नहीं मिलेगा। ले भाई राखी बांध। हीन वद्वो बलि राजा दानवेन्द्रो महाबला, तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माचल माचल। राखी बांध करके बलि ने पूछा तुम्हें दक्षिणा में क्या दें? जो आप कहोगी सो देंगे। बलि धन तो हमारे पास ही बहुत है, दक्षिणा में तुम्हारी ये चतुर्भुज चौकीदार चाहिए, नारायण चाहिए। मैं समझ गया जब तुम आई नहीं, जब तक धन नहीं आता तब तक माला झोली में हाथ रहता है, जब धन आ जाता है माला झोली उठा के रख दी जाती है, मोबाइल पे हाथ रहता है। हेलो, हाँ क्या भाव रहा? अब भाव बदल जाता है तुम्हारे आते ही, तुम दुनिया का भाव बदल देती है। जब वचन दे दिया है जो मांगोगी देंगे तो इनको दे देते हैं।
बलि ने कहे, भगवान ने कहा बलि में जाऊं, प्रणाम किया, बोले महाराज तन मन धन सर्वस्व समर्पण करने के बाद भी यदि आप जाओ तो आपकी मर्जी है। श्री ठाकुर जी ने कहा चार महीने ब्रह्मा, चार महीने शंकर और चातुर्मास में चार महीने आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक मैं तुम्हारे यहाँ रहूंगा और तुम्हारे यहाँ रहने से सभी तीर्थ सभी देवता यहाँ आते जाते रहेंगे। कैसा विधान है, वर्षा पड़ेगी, नदियां भर जाएंगी, नाले भर जाएंगे, आवागमन में बाधा रहेगी, उत्सवों में बाधा रहेगी, इसलिए विवाह शादी को बंद करा दिए और धार्मिक अनुष्ठान शुरू हो गए। कहीं ना कहीं एक जगह रहें, मन को एकाग्र करें, इंद्रियों को एकाग्र करें और कैसे भी अपने देवता को प्रसन्न करें। 12 महीने में 4 महीने आप जान करके चुने गए हैं भगवत प्राप्ति का साधन करने के लिए। पावन भगवान ने जितना भी धन बलि से दान में लिया, अपने पास एक फ्लैट या एक कमरा भी नहीं रखा। जिन जिन लोगों का राजा बलि ने छीना था सबको बांट दिया। कोई भी व्यक्ति दान लेता हो या संस्था दान लेती हो उसे जोड़ना नहीं चाहिए। जहां FD करा दी जाएगी वहीं चेंटा चुपकने लगेंगे, क्लेश होने लगेगा, झगड़े होने लगेंगे। बातें नहीं करें, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, बातें नहीं करें। पूज्य बाबा गोलोकवास करने से साल भर पहले हॉस्पिटल में रहे, बोक हार्ट हॉस्पिटल मुंबई। नासिक के कुंभ से ही लेकर के जाना पड़ा था। 18 दिन हॉस्पिटल में रहे और नासिक के कुंभ में और हॉस्पिटल में दोनों जगह मिलाकर के 3.5 लाख रुपया बाबा को भेंट शिष्यों के द्वारा भक्तों के द्वारा दी गई। रोज हम जम करके बक्से में रख देते, चाबी बाबा के जनेऊ में मार देते। अस्पताल का जो खर्चा हुआ उसका बिल भी 3.5 लाख आया, जो बड़े भाई राधाकांत जी ने दिया। 1 लाख रुपए कम थे तो बाबा से कहा कि आपके बक्से में से 1 लाख रुपया निकाल करके डॉक्टर की फीस दे दें। बोले ना, ये पैसा पब्लिक का है, वैष्णवों का है, ये ब्रज 84 कोस की सेवा में ही लगेगा। तुम्हारी इच्छा हो तो मेरा इलाज कराओ और तुम्हारे बस की नहीं है तो वापस ले चलो। यहाँ जीवित रहने की प्रसन्नता नहीं है और मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन जो पैसा लोगों से आया है वो लोगों की ही सेवा में ब्रज में लगेगा। हमने अपने शिष्य से 1 लाख रुपया उधार लेकर के अस्पताल का पेमेंट किया। बाबा जो धन लेते थे लोगों से वो सब ठाकुर जी की सेवा में, ब्रज की सेवा में लगाते थे। ब्रज 84 कोस की यात्रा करी जाए और जब हम स्थलों को देखते हैं तो आनंद आता है कि हाँ कितना जरूरी था उनको बनाना। दान लेना और दान देना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, लेकिन संस्थाओं को भी यही करना चाहिए। बाबा की ही प्रेरणा से ब्रज विकास ट्रस्ट का गठन हुआ और 11 वर्षों में 70 संस्था, लगभग बंबई के ही वैष्णवों से दान आ रहा है और ब्रज 84 कोस में 70 तीर्थों का जीर्णोद्धार हो चुका है। 10 तीर्थों का अभी भी वर्तमान में जीर्णोद्धार सेवा चालू है। हम लोग वही दान दें जहां हमारे दान का सदुपयोग होता हो। एक बहुत बढ़िया प्रसंग है जो कथावाचक नहीं कहते हैं। बावन भगवान जब जा रहे हैं दौड़ करके शुक्राचार्य आए और रास्ता रोक लिया वामन भगवान का। हे प्रभु, ये जो आपने आंख फोड़ दी है ना, मैं इसको आंख फोड़ना नहीं मानता हूं। मेरी 2 दृष्टि थी, आपने 1 दृष्टि बना दी। संसार को 1 दृष्टि से देखना चाहिए। द्वैत मिटा दिया आपने, मैं आपको प्रणाम करता हूं। 8वां स्कंद 23वीं अध्याय और 16वां श्लोक 8वें स्कंद की 23वीं अध्याय का 16वां श्लोक घर जाकर के आप लोग भागवत जी में देख सकते हैं। श्री
शुक्राचार्य वामन भगवान से कह रहे हैं, मंत्रस्तंत्रस्ततश्छिद्रम् देशकालार्ह वस्तुतः सर्वं करोति निश्छिद्रम् नाम संकीर्तनम् तव। क्या मतलब है इसका? यदि किसी को लगे कि हम पर कोई टोटका करा दिया, कोई उपल्ला पर आया करा दिया, हमारी दुकान बांध दी है, हमारा घर बांध दिया है, हमारा पांव कहीं पड़ गया है, ऐसा यदि जीवन में कुछ लगे, क्या करना चाहिए? बोले भगवान का कीर्तन करना चाहिए। भगवान का कीर्तन करने से मंत्रस्तंत्रस्तछिद्रम ये तामन टोटका ये उपल्ला पर आया सब कुछ समाप्त हो जाता है, जहां भगवान का कीर्तन होता है। बोलो बामन भगवान की ये। बामन चरित्र कथा के उपरांत राजा परीक्षित का प्रश्न है, भगवान श्रोतमिच्छामि हरेर अद्भुत कर्मण अवतार कथा माध्यम माया मत्स्य विडम्बनम। भगवान ने मत्स्य रूप क्यों धारण किया, मत्स्य अवतार क्यों धारण किया? गो विप्रसुर साधूनाम छंदसाम पचेश्वर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। साधुओं का परित्राण माने कल्याण करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान समय समय पर पधारते हैं। शंखासुर नाम का राक्षस चारों वेदों का हरण करके रसातल में ले गया, शंख जैसी आकृति का महल बना करके उसमें भीतर छिप जाता था, देवता जाते पर पकड़ नहीं पाते थे। एक राजा हैं जो भगवान के दर्शन करने के लिए हमेशा सत्कर्म में लगे रहते, उनका नाम है सत्यव्रत। एकदा कृतमालायां कुर्वतो जलतर्पणम् तस्याम् अनिरुद्धके कापेश पर्ये का विपद्यत। राजा ने अंजलि में जल लेकर के अर्घ देना चाहा, तभी आवाज आई मेरी रक्षा करो। आंख खोल करके देखा एक मछली राजा की अंजलि में है, वही पुकार रही है। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। थोड़ी देर में मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल छोटा पड़ने लगा। ना हम कमंडला वसुनेन्द्र चंबस्व में हो सहे, राजा मेरी रक्षा करो। राजा ने और बड़े पात्र में रख दिया। आश्चर्य है कि जितने बड़े पात्र में रखो वही छोटा पड़ने लग जाए। एक के बाद एक राजा ने बहुत बड़े सरोवर में मछली को डाल दिया। देखते देखते इतनी बड़ी मछली हो गई कि सरोवर पाट दिया सारा। राजा ने प्रणाम किया, बोले आप कोई साधारण मछली नहीं है, निश्चय ही आप कोई देवता हैं। वास्तविक रूप में मुझे दर्शन दीजिए। मत्स्य नारायण प्रकट हो गए। भगवान का छाती से ऊपर का भाग तो चतुर्भुज नारायण का दर्शन है, और छाती से नीचे का भाग जैसे मछली होती है ऐसा भाग है। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। हे प्रभु ऐसा रूप क्यों धारण किया है आपने? शंकासुर दैत्य हरण करके ले गया है वेदों का। आज के सातवें दिन चारों तरफ जल प्रलय होगी, चारों तरफ जल ही जल होगा। एक टापू पर तुम पहुंचोगे, सप्तऋषि पहुंचेंगे, एक नाव तैरती हुई आएगी, सप्तऋषियों को लेकर के उस नाव में बैठ जाना। मैं शंकासुर को मार करके आऊंगा मछली के रूप में। पहचान बता देता हूं कि सोने का एक सींग होगा उस मछली के। एक श्रृंग धरो मत्स्यो हेमो नियुत योजना निवद्य नावम तृंगे यथोक्तो हरिणापुरा। आप अपने नौका की रस्सी उसके सींग से बांध देना। चारों वेदों को मैं तुम्हें दूंगा, तुम सप्तऋषियों को दे देना। तुम्हें और सप्तऋषियों को भवसागर से पार मैं अपने धाम में ले जाऊंगा। समय जाते देर नहीं लगती, जैसा भगवान ने कहा
सातवां दिन आ गया, चारों तरफ जल ही जल, सतऋषि आ गए, राजा आ गए, नाव आ गई, बैठ गए, भगवान शंखासुर को मार करके पधारे, झट से रस्सी बांधनी ले गए भवसागर से पार अपने धाम के लिए। अवतारो हरे हीतये तनुहं नरा संकल्पा दश सिद्ध्यन्ति सायाति परमां गतिम्। जो अपने जीवन की डोरी भगवान के चरणों से बांध देंगे वो कभी संसार सागर में नहीं डूबेंगे। जो इस मत्स्य अवतार की कथा को सुनेंगे, कहेंगे, पढ़ेंगे, इस जन्म में सारी इच्छाएं पूर्ण होंगी और मृत्यु के बाद वो भगवान के धाम में जाएंगे। बोलो मत्स्य नारायण भगवान की जय। आठवां स्कंद विराम हो गया। नौवें स्कंद में परीक्षित राजा ने श्री शुभदेव जी को प्रणाम करके कहा, मनवंतराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्दस्य वीर्यस्य हरिस्तत्र कृतानि च। विभिन्न मनमंत्रों के विभिन्न अवतारों की कथा आपने सुनाई, बहुत आनंद आया, लेकिन अब हमारी इच्छा है आप हमें सूर्य वंश का वर्णन करें। श्री सुखदेव जी ने कहा, बोले सूर्य वंश बड़ा विशाल है, न वक्तुम न शक्षते विस्तरतो वक्तुम वर्ष शतई अपि। 100 वर्ष तक लगातार कथा कही जाए तो भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए सभी लोग आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा सभी आ जाएं। आज ये आपका आगे आना, ये पृथ्वी दान करने का पुण्य आप लोगों को मिलेगा। आइए सभी लोग आगे आ जाएं। कोई चीज छोड़ना बहुत कड़ा काम है और जमीन छोड़ना तो सबसे ज्यादा कठिन काम है, फिर भी आपसे कराया जा रहा है। आइए। अरे कुछ लोग मानते नहीं है, खाली ऐसे हिल के दिखा देते हैं, बस वहीं बोले लो आगे, आज काम नहीं चलेगा, आज आज की बात है, थोड़ा आगे आ गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे बढ़ते समय आवाज नहीं करें, खराब मशीन की तरह खराब मशीन आवाजें करती है। जनरेटर खराब है तो आवाज करेगा, गाड़ी खराब है तो आवाज करेगी, कथा में भी जो आवाज करे वो सबसे ज्यादा खराब है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि 100 वर्ष लगातार कथा कही जाए तो भी सूर्य वंश का वर्णन नहीं किया जा सकता। सूर्य वंश के बारे में एक बात और है, ब्रह्मा जी स्वयं चल करके वशिष्ठ जी के पास आए। ब्रह्मा के बाद सबसे बड़ी तपस्या वशिष्ठ जी महाराज की है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वशिष्ठ, आप सूर्य वंश के कुल गुरु बनना स्वीकार कर लो, पुरोहित बन जाओ। जो पराया हित समझे उसको पुरोहित कहते हैं। तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों के पुरोहित हमारी सहायता करते हैं, जो वस्तु की आवश्यकता है ला करके देते हैं। मैं पुरोहित कर्म नहीं करूंगा, मैं तो स्वयं तपस्या करना चाहता हूं, मैं कहां जजमान का ध्यान रख पाऊंगा। सुनिए, बहुत बड़ा लाभ होगा यदि आप सूर्य वंश के कुल गुरु बन जाएं। क्या लाभ होगा? बोले सूर्य वंश में भगवान का अवतार होगा, श्री राम अवतार, और श्री राम का चरित्र पुराणों में, ग्रंथों में, ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा युगों युगों तक गाया जाएगा। आप सूर्य वंश के गुरु तो भगवान राम के भी गुरु बन जाएंगे, और जब जब रामायण गाई जाएगी तो लोग गाएंगे कि भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी महाराज थे। सुनते ही लालच आ गया, मैं भगवान का गुरु बनूंगा। क्यों जी? ये अवतार कब होगा? बोले ये अवतार त्रेता युग में होगा। त्रेता युग कब आएगा? बोले अभी तो सतयुग प्रारंभ हुआ है,
दो नंबर पर द्वापर युग है, तीन नंबर पर त्रेता है, और त्रेता के भी अंत में जाकर के यह अवतार होगा। वशिष्ठ जी ने कहा एक काम आप कर रहे हैं तो हम कुलगुरु बनने को तैयार हैं। क्या? आप द्वापर को तीसरे नंबर पर लगा दें और त्रेता को दूसरे नंबर पर लगा दें तो हम कुलगुरु बनने को तैयार हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि वशिष्ठ के बराबर तपस्या किसी की नहीं है, इसलिए स्वीकार कर लिया। विधाता ने अपने क्रम में परिवर्तन कर डाला, ऐसे तपस्वी हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। त्रेता को पहले कर दिया, द्वापर को बाद में कर दिया। सुखदेव जी ने कहा बोले उन राजाओं की कथा सुनाएंगे जिनकी कथा सुनने से हमको रास्ता दिखाई दे, किस रास्ते पर हमें चलना चाहिए। सूर्यवंश में भगवत भक्त, गुरु भक्त, देश भक्त, राष्ट्र भक्त, गो भक्त, मात पितृ भक्त, बड़े बड़े तपस्वी राजा हुए हैं। ऐसे लोगों की चर्चा करनी चाहिए जिनकी चर्चा करने से हमको सद्बुद्धि प्राप्त होती हो, रास्ता प्राप्त होता हो। आदि पुरुष भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि नाम के ऋषि ने जन्म लिया। मरीचि के पुत्र हैं कश्यप, कश्यप की कई पत्नियां हैं, इनमें जो अदिति नाम की पत्नी है उनसे आदित्य, विवस्वान नाम के सूर्य ने जन्म लिया। सूर्य की संध्या नाम की पत्नी से श्राद्धदेव नाम के राजा हुए। सूर्यवंश का पहला राजा है श्राद्धदेव। इसकी कथा सुनाई जा रही है, क्यों सुनाई जा रही है? बोले राजा गुरु भक्त है, जो काम करता है गुरुदेव की आज्ञा लेकर के, हर काम करता है गुरु को बता करके। एक बात बहुत बढ़िया लिख रही है भागवत में कि ये श्राद्धदेव राजा नित्य गुरुदेव के पास जाता था और अपना सुख दुख गुरुदेव को बताता था। आजकल भी चेले लोग जाते तो हैं गुरुओं के पास, पर सुख नहीं बताते, दुख ही दुख बताते हैं। ये तकलीफ है, ये हो गया, ये हो गया। कोई चेला नहीं बताता इतनी एफडी करा दी है या इतना गोल्ड फलानी अलमारी में रखा है। बोले ये गुरु को मत बताओ, कहीं मांगने लगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इस राजा के हृदय के बारे में बतलाया गया है पारदर्शी है, हर चीज गुरु को बता देता है। राजा के सभी सुख हैं, एक कमी है संतान नहीं है। हे गुरुदेव संतान प्राप्ति की इच्छा हो रही है। गुरुदेव ने कहा बोले संतान प्राप्ति को यज्ञ कराना पड़ेगा, यज्ञ का प्रसाद रानी को दिया जाएगा, रानी गर्भवती हो जाएगी, निश्चय ही संतान होगी। यज्ञ कुंड खोदे जा रहे हैं, मंडप बनाए जा रहे हैं, बहुत तैयारियां राजा के बगीचा में करी जा रही है। रानी ने पूछा ये क्या हो रहा है? ऋषियों ने बतलाया संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ की तैयारी हो रही है। रानी ने कहा सुनो ऐसे मंत्र पढ़ना बजाए बेटा के मेरी बेटी हो जाए। क्यों? बेटा होगा पढ़ने चला जाएगा गुरुकुल, फिर अस्त्र शस्त्र सीखने चला जाएगा, फिर राजनीति सीखने चला जाएगा, फिर युवराज बना दिया जाएगा, फिर राजा बना दिया जाएगा, और बेटी होगी तो कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास रहकर के पड़ेगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से अपने मन की बात कर लिया करेंगी। पुरुष दस एक साथ बैठे हों तो बात नहीं करेंगे, भले ही छह घंटे हो जाए, और माताएं दो बैठी हो दो मिनट में ही ऐसे बात करना शुरू कर देती हैं जैसे कोई दो तीन जन्मों की जान पहचान हो। ये बात हंसने की नहीं है, ये बहुत अच्छी है। ये बात करने वाला जो सिस्टम है ना, ये बहुत बढ़िया है।
कैसे बढ़ गया है, विश्व में रिसर्च करी गई है, हार्ट की जितनी बीमारियां हैं ना 90% पुरुषों को होती हैं, महिलाओं को केवल 10% होती हैं, भले ही मोहल्ले के डॉक्टर से बढ़ के पूछ लेना। पहले हर घर में चूल्हा होता था, हर मोहल्ले में कुआ होता था, छोटा मोटा झगड़ा हो जाए दौरानी जेठानी का, सवेरे लड़ती है, शाम को कहती चूल्हे में पड़ने दे, आ जा प्यार से बैठेंगे अपने। मोहल्ले में कोई झगड़ा हो जाता, लाठी डंडे निकले आते, सवेरे निकलते, दूसरे दिन बड़े बूढ़े बैठा के राजीनामा करा देते, बोले झगड़ा मत करो, गुस्से को कुएं में जाने दो, चलो अब चैन से रहो। जो भी टेंशन हुआ करती थी चूल्हे में डाल दी जाती, कुएं में डाल दी जाती, अब ना कुआ है ना चूल्हा है, सब सिर पर लाद करके डोल रहे हैं, इसलिए ब्रेन हेमरेज, हाइपर टेंशन और डिप्रेशन, बीपी, शुगर, ओ सारी बीमारियां भी 10-20 सालों में होने लगी हैं, उससे पहले नहीं होती थी। बात करते रहना चाहिए, बात करना बहुत जरूरी है। एक हार्ट का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने अपने ऑपरेशन थिएटर में लिख रखी थी बहुत बढ़िया बात, अगर ये दिल खोल दिया होता यारों के सामने तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के सामने, यदि हम मिलते जुलते रहते, बतराते रहते, बातचीत करते रहते तो ये नौबत नहीं आती कि बाईपास, लोगों को बाईपास करते रहे इसलिए बाईपास कराना पड़ रहा है। बगीचे में टहलने जाते हैं, पहले मिलते थे तो राम राम करते थे, आजकल मिलते हैं तो हाथ भी नहीं मिलाते, हाथ ऊपर कर देते हैं एक दूसरे को देख के, क्या मतलब है, बोले नीचे फुर्सत नहीं है, ऊपर मिलेंगे, तुम भी पहुंचो हम भी आ रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नारायण या जगत में सबसे मिलिए धाए, ना जाने काऊ वेश में नारायण मिल जाए, रह मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे पे जुड़े नहीं जुड़े गांठ पड़ जाए। सबसे बोलते चलते रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। यज्ञ हुआ, रानी को प्रसाद दिया और संतान हुई तो कन्या हुई, राजा को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव यज्ञ तो बेटा के लिए कराया गया, गुरु ने समाधि लगा के बतलाया, राजा जो हुआ तुम्हारी पत्नी के कारण से हुआ। हे प्रभु, एक बेटा हो जाए वंश वृद्धि के लिए, बाद में कितनी भी कन्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ले जाके कन्या गुरुजी की गोदी में डाल दी। गुरु निष्ठा देख करके गुरुदेव ने कन्या को पुत्र बना दिया और उसका नाम सुभ्यम्न रखा गया। बड़ा हो गया, जवान हो गया। स एकदा महाराज विचरण मृगयाम बने व्रत कर गया मात अश्वमारुह सैंधवम। एक दिन ये राजकुमार घोड़े पर बैठकर अन्य सैनिकों को घोड़ों पर बिठाकर शिकार खेलने के लिए वन में गया। ऐसे वन में पहुंचे जहां जाते जितने पुरुष थे सारे स्त्री बन गए, जितने घोड़े थे सारे घोड़ियां बन गए। गए हैं मुकुट पहन पहन करके और घूंघट मार मार के एक दूसरे को देख रहे हैं। राजा प्रतीक्षा कर रहा है, मेरा बेटा नहीं आया, सवेरे का गया है। जैसे ही दिन ढला एक राजकुमारी ने आकर के प्रणाम किया, तुम कौन? मैं तुम्हारा बेटा सुभ्यम्न। ये क्या हो गया? बोले जितने साथ थे सबको ही हो गया। राजा तो एक ठिकाना जानता है, गुरु द्वारा कोई काम किसी के द्वार पर नहीं बनेगा, वो काम गुरु के द्वार पर निश्चय ही बनेगा। आकर के प्रणाम करी, गुरुदेव देखिए ये क्या हो गया, गुरुजी ने समाधि लगाई और बतलाया, सुनो ये वहां चला गया है जहां शंकर भगवान का वरदान है, जो भी पुरुष जाएगा वो स्त्री बन जाएगा। हमारे हैं कथमेवं गुणो देश केन वा भगवन् कृत प्रश्नमेनं समाचक्षो परम कौतूहलम हिन। ये ऐसे ऊटपटांग वरदान क्यों देते हैं भोलेनाथ?
महाराज शंकर जी ने ऐसा वरदान क्यों दिया बतलाइए। एकदा यशम दृष्टो ऋषियस्तत्र सुभृता दशोमित मेरा भाषा कुर्वन् समुपागमन। एक बार शंकर भगवान कथा सुनने के लिए गए हुए थे। बारिश पड़ के चुकी, झरने झड़ रहे थे और अम्बा पार्वती का मन झरने में स्नान करने के लिए हुआ। माता जी झरने में स्नान कर रही हैं, उसी समय अचानक निगाह पड़ गई नीचे कि सप्तऋषियों ने पर्वत पर चढ़ना शुरू कर दिया है। ऊपर माता जी स्नान कर रही थी, नहाने का सारा आनंद चला गया। झटपट व्यवस्थित होकर के दर्शन देकर के ऋषियों को विदा किया। भगवान भोलेनाथ आए, पार्वती जी रूठ करके बैठ गई। तदिदम भगवान आह प्रियाया प्रियकाम्या, क्या हुआ, क्यों रूठी हो, क्या बताएं भोलेनाथ, हम तो चैन से स्नान भी नहीं कर सकते, कोई जगह सुरक्षित नहीं जहां हम आराम से स्वतंत्रता से रहें, क्या हुआ। बोले आज स्नान कर रहे थे, सप्तऋषियों का आना हो गया। शंकर जी ने वरदान दे डाला, आपका जो बिहार क्षेत्र है इसमें जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री हो जाएगा और स्त्रियों से स्त्रियों को कोई लोक लाज होती नहीं है। आप बिहार करती रहना, किसी प्रकार का कोई विधान नहीं पड़ेगा। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। हे राजा, तुम्हारा बेटा उसी क्षेत्र में चला गया है, चरण पकड़ लिए, वरना महाराज मैं नहीं जानता किसी को, मैं तो केवल आपको जानता हूं, आप इसे बेटा बनाइए। त्रिया हट, बाल हट, योग हट और राज हट, ऐसा हट किया राजा ने, खाए न पिए न बैठे, गुरुदेव के आगे अखंड जम गया। करुणा निधान गुरुदेव को दया आ गई, ब्रह्मा जी से अनुमति लेकर, भगवान शंकर से अनुमति लेकर के उसको वरदान दे दिया। बोले एक महीने पुत्र और एक महीने पुत्री बन करके रहेगा। इस कथा के सुनने से क्या सीखना चाहिए? बोले गुरुदेव की यदि कृपा हो जाए तो ब्रह्मा के बनाए हुए विधान में, शंकर के बनाए हुए विधान में, विष्णु के बनाए हुए विधान में परिवर्तन किया जा सकता है। गर्ग संहिता का श्लोक है ये, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। जो गुरु ब्रह्मा की तरह हमारे अंदर अच्छे विचार प्रकट करता हो, जो गुरु हमें भगवान मार्ग में लगाता हो, जो गुरु हमारे अंदर अच्छी आदत डालता हो, वो गुरु ब्रह्मा के समान है। जो हमारी अच्छी आदतों का पोषण करता हो, जो हमें हर अवस्था में प्रसन्न रहना सिखाता हो, वो गुरु विष्णु के समान है। जो हमारे पापों को नष्ट कर डाले, जो हमारी बुरी आदत समाप्त कर डाले, जो हमारे दोषों का हरण कर सके, ऐसा गुरु शिव के समान है। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जो व्यक्ति पहले आचरण करे फिर भाषण करे तो उसके भाषण का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। गीता सुनाई जा रही है, वहां जहां डंके बज रहे हैं, घंटा घड़ियाल बज रहा है, शंखम दगमऊ पृथक पृथक, युद्ध के मैदान में वहां सुनाई गई कथा और एक बार में समझ में आ गई। और यहाँ एसी में बैठ करके, गद्दा सोफा कुर्सी बहुत बढ़िया व्यवस्था में बैठ करके कथा सुन रहे हैं, फिर भी याद नहीं होती, क्या चक्कर है? बोले महाराज वो एकाग्रता नहीं बन पाती है वैसी जैसी उसकी बनी हो। इसमें एक कारण गुरु भी है। वो जो गुरु है ना, जो सुना रहे हैं गीता, उन्होंने पहले अपने आचरण में लाए हुए हैं, तब उसका प्रवचन कर रहे हैं।
स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास एक माता जी अपने बच्चे को लेके गई, बोले महाराज गुड़ खाता है, चुरा चुरा के खाता है, कैसे आदत सुधरेगी, उपाय बताओ। बोले एक महीने बाद आना, तब बताएंगे उपाय। एक महीने गए, उपाय बता दिया। पहले क्यों नहीं बताया? बोले पहले मैं भी गुड़ खाता था, पहले मैं अपने आप को नियंत्रित किया। हमारे गुरुदेव हर काम पहले खुद करते थे, बाद में लोगों से करने के लिए कहते थे। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। इसी सूर्य वंश में प्रसिद्ध नाम के राजा हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन गाय की सेवा में व्यतीत कर दिया। गाय की सेवा करनी चाहिए। सबसे सरल तरीका है, हर व्यक्ति एक रुपया रोज एक गुल्लक में डालता रहे। घर में पांच जने हैं, पांच रुपया रोज डाले, छह महीने में साल भर में इकट्ठे हो गए, जाकर के गौशाला में देना चाहिए। एक और सरल तरीका है, हम जितने भी फल खाएं उनके छिलके कूड़ेदान में नहीं डालें। जो भी सब्जी छीली जाए उसका छीला हुआ छिलका कूड़ेदान में नहीं डालें, अलग इकट्ठा कर लें। हम जो आटा छानते हैं, जो रह जाए बिना चना, जिसे हम नहीं खाते हैं, उसको अलग कर ले। ऐसे यदि दस घर का ये वेस्टेज ले जाके एक गाय के आगे धर दिया जाए ना, तो गाय भारी नहीं पड़ेगी। गाय मां है, माता बच्चों पर भारी नहीं पड़ती है, लेकिन बच्चे थोड़ा तरीका बना लें कि मां को खुश कैसे किया जा सकता है। नारद जी ने पूछा, 33 करोड़ देवताओं का पूजन करना हो तो कौन सा तरीका सरल रहेगा? भगवान ने 33 करोड़ देवताओं को आज्ञा दी, बोले जाओ जाकर के गौ माता के शरीर में विराज जाओ। हे नारद, गाय का पूजन करने से 33 करोड़ देवताओं का पूजन करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भगवान राम गौ पूजन करते हैं, परशुराम गौ पूजन करते हैं, कृष्ण कन्हैया को तो गोपाल के नाम से सब जानते ही नहीं। भैंस का दूध पीने से बुद्धि ताकत बढ़ती है, गाय का दूध पीने से बुद्धि बढ़ती है, और माँ का दूध पीने से विल पावर बढ़ती है। लड़ाई होती है तो कहते हैं माँ का दूध पिया हो तो सामने आई, नहीं कहते गाय का पिया हो या भैंस का पिया हो। गाय जिस पात्र में खाती है चाट करके उसे साफ कर देती है, भैंस फैला फैला के खाती है। गाय का पांव हमारे पांव पे पड़ जाए तो झट हटा लेगी, और भैंस का पांव पड़ जाए तो कुचल के रख देगी। गाय के सामने हॉर्न बजाओ तो किनारे हट जाएगी, भैंस के सामने बजाओ नहीं हटेगी। भैंस का ही दूध पी पी करके हम लोग मर्जी आए जहां बाइक खड़ी कर देते हैं, भले ही जाम लग जाए। भैंस भी मुंह चलाती रहती है, हम लोग भी गुटका फुटका काका करके शरीर को खराब करते रहते हैं, जानवर बनने का प्रयास करते रहते हैं। गाय का दूध पीना चाहिए, गोपालन करना चाहिए, गाय को कैसे समृद्ध बनाया जाए इस विषय में चिंतन करना चाहिए। बहुत महंगा काम नहीं है। ठाकुर जी ने हमको बहुत बढ़िया सेवा दी है, 50 गाय है, और भागवत में जो भी चढ़ावा आता है पूरा गौ सेवा में ही जाता है। हम अपने निजी खर्च के काम में ठाकुर जी ने किराए भाड़े की व्यवस्था कर रखी है, पूरी कृपा है भगवान की, कोई कमी नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर व्यक्ति को चिंतन करना चाहिए कि हमारे द्वारा गौ सेवा हो रही है या नहीं हो रही है। बहुत से लोग भोजन करते समय एक टुकड़ा तोड़ के रखते हैं किनारे, क्या कर रहे हैं? बोले गोग्रास निकाल रहे हैं। क्या हम उस गोग्रास को गैया तक पहुंचाने जाते हैं? मेरा निवेदन है कि हम धप्पो उछला ना करें, हम जो काम पारदर्शी हो वही करना चाहिए। जब घर में से ही पहली एक रोटी गाय के लिए निकल रही है तो हर व्यक्ति को ये टुकड़ा टुकड़ा करके अन्न खराब करना आवश्यक नहीं है। जब हम एक रुपया रोज गौशाला पहुंचा रहे हैं तो ये भोजन करते समय अन्न का किसी को बुरा लग रहा हो तो क्षमा करेंगे, पर ज्यादातर मैंने उस अन्न की दुर्गति देखी है, कोई गौशाला पहुंचाने नहीं जाता है। हमें वास्तविकता में जीना चाहिए, देखा देखी काम नहीं करना चाहिए।
जिस पर जितनी सामर्थ्य हो, जितनी शिक्षा हो, गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। राजा प्रसन्न ने अपना पूरा जीवन गाय की सेवा में व्यतीत कर दिया। रात्रि को गौशाला में सो रहे थे, जोर की वर्षा होकर के झुकी, कोई शेर गौशाला में आ गया, गाय के ऊपर आक्रमण किया, गाय रमाई। आलस और अंधकार दोनों ही कारण बन गए। राजा ने शब्द वेदी बाण चढ़ाया, शेर के तो कान को लगा, पूरा गाय को लग गया। गाय मर गई, सवेरे जागे, गौशाला में आए, गाय को मरा हुआ देखा, इतना रोए, रो रो करके शरीर छोड़ डाला। यमदूत आए लेने के लिए, भगवान प्रकट हो गए, बोले नहीं, जो गो सेवा करता है वो कभी भी नरक में नहीं जाता है। बोलो गैया मैया की जय। इसी सूर्य वंश में सरयाती नाम के राजा हुए। राजा को बहुत बढ़िया आदत है, समय समय पर राजा तीर्थ यात्रा करने जाया करते थे और वन में जा जा करके ऋषियों की संगत किया करते थे। घर के ऐश आराम छोड़ करके साल में एक बार कम से कम किसी न किसी तीर्थ में जाना चाहिए। इसलिए बोले ये ऐश आराम कभी हमारे पास नहीं रहे तो इनके बिना हम कैसे रह पाएंगे, इसका अभ्यास तपस्या के रूप में हमको तीर्थों में जाकर के करना चाहिए। राजा वन में ऋषियों के साथ सत्संग करने आए हैं, उनकी कन्या बड़ी सुंदर है, उसका नाम है सुकन्या। सहेलियों के साथ घूमने के लिए निकली, टीले में दो जुगनू जैसे दिखाई दिए, चिमटी निकाल करके उनको छेद डाला। इतना दर्द ही सबके पेट में भयंकर दर्द होने लगा, राजा का जितना परकर है परेशान हो गया। महाराज कोई उपाय करिए, सबको एक जैसी पीड़ा हो रही है। राजा जान गए ये चवन शीशी तपस्थली है, जरूर कोई अपराध हुआ है। जांच पड़ताल करी गई, तब कन्या ने बतलाया कि दो जुगनू दिखाई दिए थे, बल्मी करंधे तदर्शे खद्योदे एव ज्योतिषी। मैंने दो जुगनू जैसे थे उनको छेद दिया, काहे बताओ, जाकर के बताया, द्वे ज्योतिषी अजानंत्या निर्भिन्ने कंडके नवई। पानी डाल डाल करके मिट्टी को हटाया गया, टीले में से चवन ऋषि प्रकट हो गए, उनकी दोनों आंखें जा चुकी थी। कैसा धार्मिक राजा, मेरी बेटी के द्वारा ऋषि के जीवन में अंधकार किया गया है, मेरी बेटी ही अब इनका आश्रय बन करके रहेगी। कन्यादान कर दिया, बेटी का हाथ अंधे बाबा जी के हाथ में दे दिया। सत्युक्ति कथा है, आजकल तो बायोडाटा भी बिना पूछे नहीं दे सकते, हाथ देना तो बहुत दूर की बात है। हमारी जिंदगी के निर्णय करने वाले माता पिता होते कौन है? एक दिन में दूसरे से प्यार हो जाता है, 25 साल से जो पाल रहे उनसे प्यार नहीं होता। एक दिन के प्यार के लिए 25 साल के प्यार को छोड़ करके चल देते हैं। श्री चवन ऋषि के मन में विचार आया, राजा ने मेरा विवाह तो कर दिया अपनी बेटी के साथ, लेकिन राजा की बेटी का मन यहां जंगल में लगेगा कैसे, अंधे बाबा जी के साथ रहेगी कैसे? एक काम किया जाए, एक वर्ष को समाधि लगा के बैठ जाते हैं, ये अपने आप अपने पिताजी के घर चली जाएंगी। चवन ऋषि फिर भजन करने बैठ गए, लेकिन सुकन्या पिताजी के घर नहीं गई है, जहां विवाह हो गया वही हमारा घर है। जैसी सेवा पराम्बा पार्वती भगवान शंकर की करती हैं, जैसी सेवा अनुसुईया अत्रि ऋषि की करती हैं, वैसी सेवा ये सुकन्या अपने पति देव अंधे चवन ऋषि की कर रही हैं। दूर दूर तक जल छिड़क दिया जाता था, मैं अब इनके ऊपर मिट्टी नहीं जमने दूंगा। चमर भराती थी, कोई कीड़ा काटा नहीं काट पाएगा।
बरसात आ जाए तो छत्र लेके खड़ी हो जाए। आजकल तो थोड़ी सी नोक झोंक हो जाए, झगड़ा हो जाए, धमकी दी जाती है, मैं माई के चली जाऊंगी, तू बीत रही है, बता रहे लोग। पति पत्नी के अलग होने को उर्दू में क्या कहते हैं? तलाक। इनका तलाक हो गया, अब साथ नहीं रहेंगे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डाइवोर्स। और हिंदी में क्या कहते हैं? बोले होता ही नहीं है, इसलिए कुछ कहते भी नहीं है। हिंदी में कोई शब्द नहीं है तलाक के लिए, डाइवोर्स के लिए। यहाँ भागना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ छोड़ना नहीं सिखाया जाता है, यहाँ निभाना सिखाया जाता है, अपनाना सिखाया जाता है। ये हिंदू धर्म है, यहाँ छोड़ने की बात है ही नहीं। एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, पत्नी गई और अपने पियर चली गई, लोकली था पियर, समझ लो कलकत्ता में ही था। दो घंटा बाद लौट करके आ गई, पति ने पूछा कैसे देवी जी लौट के आ गई? बोले मेरी मम्मी और मेरे पापा का झगड़ा हो गया है, मेरी मम्मी अपनी मम्मी के गई हुई है, घर पे कोई था नहीं, ताला लगा हुआ था, इसलिए लौट करके आना पड़ा। लौट करके तो यहीं आना पड़ेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक शब्द है सही, और कॉपी चेक होती है तो प्रश्न गलत होता है, उसमें क्रॉस लग जाता है गलत, और जो सही होता है टिक लग जाता है सही। जिन लोगों के अंदर सहन शक्ति है वो तो हैं सही। मीरा ने सास की सही, प्रहलाद ने बाप की सही, विभीषण ने भाई की सही। जिन जिन लोगों ने सही वो हैं सही, और जिनमें सहन शक्ति नहीं है वो हैं गलत। वो हर जगह भटकते रहते हैं, उनको संतुष्टि कहीं नहीं मिलती। अगर किसी से विचार नहीं मिलते तो बैठा के मीटिंग कर लो, भाई बता तेरे को क्या क्या पसंद नहीं और हमें क्या क्या चाहिए, आधा तू सुधर जा आधा हम सुधर जाते हैं, लेकिन रहेंगे साथ में, अलग अलग नहीं होंगे। सरयाती राजा के दामाद चवन ऋषि ने ऐसा महल बनाया, पानी में तैर सकता है, हवा में उड़ सकता है, पहाड़ के ऊपर रख दो, पेड़ के ऊपर रख दो, धरती में रख दो। अश्विनी कुमारों के सहयोग से युवावस्था प्राप्त कर ली, अपनी पत्नी को गृहस्थ का आनंद प्रदान करने लगे। राजा सरयाती ने आकर के देखा, प्रणाम किया, महाराज ये सब क्या है? बोले धर्म में दिया गया हमेशा भड़ करके लौटता है। धर्म में चाहे तन लगाएं, चाहे मन लगाएं, चाहे संतान लगाएं, चाहे राज्य लगाएं, कभी भी कुछ घटता नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी सूर्यवंश में नभग नाम के राजा हुए, जिनके चार बेटे थे। सबसे छोटा बेटा नाभाग बचपन में घर छोड़ करके भजन करने के लिए वन में चला गया। तीनों बेटे जवान हो गए, बोले पिताजी राज्य का बंटवारा कर दो और हमारे घर बसा दो। चार इससे किए जाएंगे, चार भाई हैं। नहीं नहीं, चौथा तो बाबा जी बन गया, भजन करता है, आप तीन हिस्से कर दो। नभग राजा ने अपने राज्य के तीन भाग कर डाले, तीनों भाइयों को बराबर दे करके घर बसा दिया, स्वयं जंगल में रह करके भजन करने लगे। नाभाग का मन गृहस्थी बनने को हुआ, चल करके आए, पिताजी हमें हमारा हिस्सा दीजिए, घर बसाइए। भाई हमें नहीं मालूम था कि तुम आ जाओगे लौट करके, हमने तो सारी संपत्ति तुम्हारे तीनों भाइयों को दे दी, जाओ जाकर के मांग लाओ, तुम्हारा भी घर बसा देंगे। तीनों भाइयों से कहा हमारा हिस्सा कहाँ है? तीनों ने एक ही बात कही, तुम्हारे हिस्से में बूढ़े माता पिता आए हैं, जाओ उन्हीं की सेवा करो। नाचता कूदता प्रसन्न होता हुआ आया, आहा, पिताजी ने कहा बड़े खुश हो रहे हो, क्या तुमको ज्यादा हिस्सा दे दिया क्या? बोले ज्यादा हिस्सा नहीं दिया, सारा ही हिस्सा मुझे दे दिया, अपने हिस्से में तो कुछ रखा ही नहीं है उन्होंने। क्या दे दिया? बोले भाइयों ने कहा माता पिता की सेवा करो, अब मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, हिस्से का किस्सा बंद कर दिया जाए।
चार पदार्थ कर तल तागे प्रिय पितु मात प्राण समझागे। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ अपने आप हथेली पर आ जाएंगे, हमारे हाथ में आ जाएंगे कब, यदि हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे। राम जी ने कहके जी से कहा, माँ यदि वन में भेजना था तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी, कोप भवन में नहीं जाना था, दोनों वरदान अभी भी आपके पिताजी पर रखे रहते। फिर क्या करती? बोले चुपचाप बुलाती, कान में कहती, राम 14 वर्ष के लिए वन में चले जाओ। हैं? तो तुम चले जाते? बोले हाँ माँ, आप कह करके तो देखो, इतना प्रेम क्यों है राम? बोले हाँ है, जिसके लिए माता पिता अपने प्राणों के समान प्यारे हैं, विश्व की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे वो प्राप्त नहीं कर सकता। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, राम जी समझा रहे हैं कैकेयी के लिए, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी जे पितु मात बचन अनुरागी। माता पिता की सेवा का परिणाम भगवान शंकर की कृपा से इतना धन हो गया जितना तीनों भाइयों के पास मिलाकर के भी नहीं था। और धन तो आता जाता रहता है, आज हमारे पास, कल उसके पास, परसों उसके पास, लक्ष्मी चंचल है, लेकिन माता पिता की सेवा करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है क्या है? बोले संतान सुपात्र होती है। यदि हम चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारी संतान हमारी सेवा करे तो हमें भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा करके आज तक एक नंबर सिंहासन दाब रखा है, कोई दूसरा नहीं हटाता है। भागवत में लिख रहा है जीवन भर में गंगा स्नान करने का कभी पुण्य ना मिले, मौका ना मिले, माता पिता के चरणों को धोकर के स्नान कर लेना चाहिए, गंगा स्नान से ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाता है। ना भागा अमरीशो भून महाभागवत कृति, ना स्पृशद ब्रह्म शापोपी यमुना प्रतिहत क्वचिद। नावाक के ऐसा बेटा हुआ जिसका नाम लेने से वाणी पवित्र हो जाती है, जिसके ऊपर ब्रह्मर्षि दुर्वासा का श्राप भी असर नहीं कर पाया। परीक्षित के मन में लालसा जग गई, भगवान श्रोतुमिच्छामि राजर्षे कस्य धीमता, ना प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्म दंडो दुरतया। आप हमें राजा अमरीश का पावन चरित्र सुनाइए। राजा अमरीश के यहां भगवान बार बार आते रहते थे। हे प्रभु क्यों आते रहते थे? ऐसा क्या करता था अमरीश? सवै मना कृष्ण पदार विनयो बचांस वैकुंठ गुणान वर्णने, करो हरे मंदिर मार्जना दिशो सुते चकारात सच कथोदय। राजा ने अपना मन भगवान के चरणों में लगा दिया, वाणी से केवल भगवान के गुणगान गाता था, इधर उधर की बातें नहीं करता था, हाथों से भगवान के मंदिर में पोछा लगाने का मार्जन करने का काम करता था। राजा कानों से केवल भगवान की कथा सुनता था, पर चर्चा नहीं सुनता था। मुकुंद लिंगालय दर्शने चो तदभेत्र गात्र स्पृशेंग संगमो, घ्राणम जदद पाद सरोज सौरभे श्रीमतुलस्यारसनाम तदर्पिते। आंखों से केवल भगवान मुकुंद का दर्शन करते हैं,
जो पुष्प भगवान के चरणों पर चढ़े, जो इत्र ठाकुर जी के लगाया उसी को लेकर के स्वयं लगाते हैं, और कोई सुगंधि नहीं चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं उनसे ही बोलचाल है, जो भगवान के भक्त नहीं है उनसे राजा व्यवहार नहीं रखता है। तुलसी समर्पण करके ठाकुर जी को जो भोग लगाया गया हो वही प्रसाद पाता है, बिना भोग लगाए एक दाना नहीं खा सकते राजा। पादो हरे क्षेत्र पदान सर्पणे शिरो ऋषि केशवदाभिवंदने कामं तदास्येन तु काम काम्या यतो तमश्लोक जनाश्रया। भगवान को भोग लगा करके भोजन कर रहे थे, अचानक गासिये में कंकड़ आ गया, कड़ाक से आवाज हुई, बड़ा कष्ट हो रहा है राजा को, यही कंकड़ ठाकुर जी के गासिये में आया होगा, किसको डांटा जाए, क्या किया जाए, आज से मैं ही गेहूं साफ करूंगा, मैं ही गेहूं पीसूंगा, मैं ही आटा छानूंगा। दिन में समय नहीं मिला, रात में राजा भंडार में गए, चक्की रख ली, गेहूं रख लिए पास में, दाहिने हाथ से चक्की चल रही है, बाएं हाथ से राजा गेहूं डालते जा रहे हैं, मन से ठाकुर जी को याद कर रहे हैं, वाणी से भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम और आप भी प्रार्थना करें। मेरा निवेदन है कि सब लोग बोलें, कुछ लोग चुप बैठे रहते हैं। भगवान की तरफ आगे बढ़ना उपासना कहलाता है, साधना कहलाता है, कई नाम है इसकी क्रिया। ठाकुर जी जो हमारी तरफ आते हैं, भगवान का हमारी तरफ आना कृपा कहलाता है। यदि हम एक गुना भगवान की तरफ बढ़े तो भगवान सात गुना हमारी तरफ आते हैं, और हम एक भी गुना नहीं बढ़े तो फिर ठाकुर जी कहते हैं पहुंच करो, जाओ वहीं पड़े। राजा ने अपने जीवन में कभी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा, दसवीं की शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करें, केवल फल का आहार करें, द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करा करके ही भोजन करना चाहिए। इतने ब्राह्मण उपलब्ध नहीं होते तो मंदिर में आटा सीधा दान दे करके फिर भोजन करना चाहिए। द्वादशी को प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि राजा के यहाँ आए, राजा ने प्रणाम करके कहा महाराज हमारे ठाकुर जी का राजभोग करोगे आप, हमारे यहाँ दोपहर के भोजन को राजभोग प्रसादी कहते हैं, शाम के भोजन को शयन प्रसादी कहते हैं, ठीक है हम यमुना जी जाते हैं और नहा करके आते हैं। सवेरे के गए संध्या कर ली, दुर्वासा जी लौट करके नहीं आए, राजा दसवीं का भूखा है, होंठ सूख रहे हैं। गुरु जी ने कहा केवल ठाकुर जी का चरणामृत पी लो जिससे मुंह थोड़ा गीला हो जाएगा। जैसे ही राजा ने चरणामृत लिया सामने दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी समझ रहे हैं ये भोजनांत आचमन कर रहा है, गालियां देने लगे, अहो अस्य निशंसस्य शियोन्मत्तस्य पश्यत धर्माभिक्रमं विष्णोर भक्तस्य निमानिना, कौन ने इसको भक्त कह दिया, पाखंडी है, धन के मद में मत हो रहा है, ऐसे बड़े ऋषि को निमंत्रण देकर के खुद खा करके बैठ गया। राजा बोले ऋषि बोलने नहीं दे, जिसको गुस्सा आती है वो सामने वाले को बोलने नहीं देता, जवान लड़ाता है, हमारी खाली गाली देने से काम नहीं चला, जटा फटकारी जोर से और एक राक्षसी प्रकट कर दी, हे तृतीया राक्षसी पाखंडी को खा जाओ। जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़े करे नर तीरो, जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। जैसे ही राक्षसी आगे बढ़ने लगी भगवान का सुदर्शन चक्रमा प्रकट हो गया,
यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्कृतं ददर्श अलब्धनाथ स यदा कुतश्चित् संत्रस्त चित्रो रणमेशमान। ब्रह्मा शंकर सनकादिक सबके यहाँ गए, सबने मना कर दिया। अंत में भगवान के आगे प्रणाम किया। भगवान बोले दुर्वासा धरती पर जाओ, राजा से क्षमा मांगो। आज यदि मैंने क्षमा कर दिया तो कलयुग में लोग गलती करेंगे माता पिता से और क्षमा मांगेंगे मंदिर में जाकर के। हे प्रभु, मैं भी तो भजन करता हूँ, वो भी भजन करता है, फिर आप उसे इतना क्यों प्रेम दे रहे हैं, मेरी बात नहीं मान रहे हैं। ये दारागार पुत्रान प्राणान्वित इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम तान त्यक्त मुस्सहे। जो अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना धन, अपना वैभव, अपना राज्य सबको मेरे चरणों में रख के तुलसी रख देता है, कहता है हे प्रभु मैं अब आपका हूँ, उसकी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। भगवान के गुणगान गाते हुए दुर्वासा जी पधारे, सुदर्शन स्तोत्र का पाठ किया, दुर्वासा जी का सम्मान किया, अनंत आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी पधारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सूर्यवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए, युगनाश नाम के राजा। अनुष्ठान के जल को पी गए, उनके गर्भ से बालक ने जन्म लिया, उसका नाम मानधाता रखा गया। मानधाता के पुत्र मुचकुंद सौवरे नाम के ऋषि ने मानधाता की 50 कन्याओं से विवाह किया। अनेक बालक उत्पन्न हो गए, तब सत्संग नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि ने अपने जीवन का सार कहा, अहो एवं पश्यतमे विनाशम तपस्विनो सहस्र तप्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रश्यावितं ब्रह्मचरं धृतं यत। भजन करते समय मन को एकाग्र रखना चाहिए, इधर उधर नहीं देखना चाहिए, सारे काम करना जरूरी है। 24 घंटे में 24 मिनट भजन करें, लेकिन तरीके से करना चाहिए। इसी सूर्यवंश में सगर नाम के राजा हुए, एक पत्नी से 60,000 पुत्र और एक पत्नी से असमंजस नाम का पुत्र। अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया, इंद्र घोड़ा चरा करके ले गया। 60,000 सगर के सुत घूमने निकले, कपिल देव के आश्रम में घोड़ा मिला, कपिल देव का अपमान कर डाला। कपिल देव भगवान ने अपनी आंखों से इन सबको भस्म कर डाला। असमंजस का पुत्र अंशमान जब घोड़ा खोजते खोजते वहां पहुंचा, तब श्री कपिल देव ने कहा स्वर्ग से माँ गंगा आए तब जाकर के तुम्हारे इन पूर्वजों का उद्धार होगा। असमंजस ने, अंशमान ने तपस्या करी, दिलीप ने तपस्या करी, भगीरथ जब तपस्या करने गए माँ गंगा प्रकट हो गई। कोपिधारिताम वेगा पतंत्या मे वही दले अन्यथा भूतलम ऋत्वा न प्रयासी रसातलम। मेरे अंदर वेग बहुत है, यदि मैं स्वर्ग से गिरी छेद करके पाताल में चली जाऊंगी, कोई ऐसा चाहिए जो मेरे वेग को पृथ्वी पर प्रवाहित कर सके। भगीरथ के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, मैं गंगा के वेग को धारण करूंगा। गंगा ने कहा लोगों के पाप हरण करते करते मैं मैली हो जाऊंगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। शंकर जी ने वरदान दे दिया, गंगा किनारे अनेक तीर्थों का निर्माण हो जाएगा, इन तीर्थों में जाकर के जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा कथा कीर्तन यज्ञ किया करेंगे, करने वालों को 1,000 गुना पुण्य प्राप्त होगा और लोगों के भजन करने से गंगा का बल बढ़ता रहेगा। ब्रह्मा के कमंडल से शंकर की जटाओं में, शंकर की जटाओं से गंगोत्री, जहां जहां जो जो नदियां मिली वहां वहां प्रयाग बन गया। देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग, 8 प्रयाग हैं। जहां यमुना जी से मिलना हुआ वहां तीर्थराज प्रयाग बन गया। यमुना जी से मिलकर के 60,000 सगर के पुत्रों का कल्याण करके गंगा मैया सागर में समा गई। गंगे गंगे जे नर कहें
नंगे कब होना रहे। बोलो गंगा मैया की जय। सूर्य वंश की विमल पताका आज भी भारत भूमि पर फहरा रही है। इसी सूर्यवंश में खट्टुवांग नाम के राजा हुए, जिन्होंने दो घड़ी सत्संग करके मोक्ष प्राप्त कर लिया था। खट्टुवांगवा दीर्घ बाहुश रघु तस्मा पृथ श्रवा अजस्ततो महाराज तस्मा दशरथो भवत। महाराज खट्टुवांग के पुत्र हैं दीर्घबाहु, जिनकी भुजाएं घुटने से भी ज्यादा लंबी थी, और इन्हीं दीर्घबाहु के कारण जनकपुर वालों ने अयोध्या निमंत्रण देना बंद कर दिया था। दीर्घबाहु मालिश करा रहे हैं, उनका नाई मालिश कर रहा है। महाराज कैसे उदास हो रहे हो? बोले जनकपुर से निमंत्रण आया है, बहुत बड़ा स्वयंवर है, एक मीटर मोटा लोहे का खंभा है, उसे जो तोड़ देगा उसी के साथ वो अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। मेरे यहाँ पहले से बहुत सारी रानियां हैं, मेरा विवाह करने का मन नहीं है, नहीं जाऊंगा तो लोग कहेंगे कि अयोध्या में वीर नहीं है, और जाऊंगा तो खंभा तोड़ के एक और आ जाएगी। सोच रहा हूँ जाऊं नहीं जाऊं। नाई बोला आपकी आज्ञा हो तो हम चले जाएं, हम खंभे को तोड़ देंगे। बोले चले जाओ। नाई गया और खंभा तोड़ दिया। जनकपुर वालों ने कान पकड़ दिया, बोले आगे से अयोध्या में निमंत्रण देंगे ही नहीं, कोई भी कहीं भी बैठ जाओ, आधा घंटे का काम है, बैठ जाओ। महाराज खट्टुवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के महाराज रघु, रघुकुल रीत सदा चली आई। महाराज रघु के पुत्र हैं पृथश्रवा, जो नित्य निरंतर अपने कानों से भगवान की कथा सुनते रहते हैं। पृथश्रवा के पुत्र हैं महाराज अज, अज के पुत्र हैं श्री दशरथ। अंशांशेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थत सुरैः। तीन पत्नियां हैं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भगवान इनके यहाँ चार रूपों में अवतरित हुए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तस्यांतरतम राजन ऋषभिस्तत्व दर्शभिः। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न चारों भाई दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए। ऋषि मुनि महात्मा इस रामचरित को अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार गाते रहते हैं, और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार इसमें से अच्छाई, इसमें से शिक्षा, इसमें से सीख ग्रहण करते रहते हैं। आज यदि हमें अपने घर में राम राज्य लाना हो तो राम जैसा स्वभाव बनाने का प्रयास करना चाहिए। राम जी के स्वभाव में अनेक विशेषताएं हैं, लेकिन एक छोटी सी बात, राम जी कभी अपनी नहीं चलाते, जो जो कहता है वो मान लेते। एक बार भूपत मन माही भई गिलान मोरे सुख नाही। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया, आशीर्वाद देके गए, भगवान प्रकट हो गए। थोड़ा सा बड़े हुए विश्वामित्र जी आ गए, हमें दे दो, दे दिया। भगवान से नहीं पूछा जाओगे कि नहीं जाओगे, दे दिया, चल दी। आज का बच्चा कहते हमसे तो पूछते कहां जाएंगे कहां नहीं जाएंगे, भगवान अपनी नहीं चलाते। सामने से ताड़का आ रही है, राम मार दो, एक ही बाण प्राण हर लीना। गुरु जी ने कहा मार दो, झट मार डाला, ये नहीं कब क्यों कहां कैसे कौन है। राम आगे चलो, ये शिला है इससे पैर लगा दो, लगा दिया, कल्याण कर दिया। आगे चले बोले गंगा जी में नहाओ, नहा लिए। और आगे चले बोले ये धनुष किसी पे नहीं टूट रहा है, तुम तोड़ दो। और कोई होता तो कहता हमको बुलाया ही नहीं, हम क्यों तोड़े। तेईसन राम अमर धन तोरा,
धनुष को बीच में से तोड़ दिया, कई जनों के बीच में था ये धनुष, अयोध्या और जनकपुर के बीच में था, राम और सीता के बीच में था, बहुत लोगों के बीच में पड़ा हुआ था, तोड़ा, विदा करा करके लेकर के आए। सेकंड नंबर की माता जी कहती है कि राम वन में जाए, राम जी वन में चल दिए। आज का बच्चा नहीं जा सकता, बोले मम्मी पापा का झगड़ा है, मैं क्यों जाऊं, नहीं वो राम है। केवट से कहा नाव ले आओ, बोले नहीं मैं नहीं लाऊं। कब लाओगे, बोले पहले चरण धोवाओ, चलो तुम भी चरण धो, चरण धो लिए, अब बोले हम गोदी में उठा के नाव में पहुंचाएंगे, नहीं दोबारा धूल लग गई, दोबारा गड़बड़ हो जाएगा। उतराई ले लो, बोले नहीं लौट के आओगे, हम जब आए तुम्हारे पार होने के लिए, अब हम उतराई नहीं ले रहे, तब आप मत लेना भगवान। चलो ठीक है। सुग्रीव कहता है कि पहले ये हड्डियां हिला करके दिखाओ, पहले ये पेड़ हिला करके दिखाओ। समुद्र कहता है महाराज पुल बांधो, तब काम बनेगा। जो जो कह रहा है राम जी मानते चले जा रहे हैं। पिंगवरम नाम के ऋषि हुए हैं दक्षिण में, उनकी रामायण में कथा है। वाल्मीकि जी तुलसी जी ने यह प्रसंग नहीं कहा। भगवान राम रामेश्वर की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन पूजा कराने वाला कोई पंडित दिमाग में नहीं आ रहा है। इच्छा है रावण को बुलाया जाए, सावन का महीना इसलिए रामेश्वर की कथा सुना रहे हैं। जामवंत जी से कहा रावण के पास जाओ, बुला करके लाओ, वही रामेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा कराएगा, पूजन कराएगा। जामवंत जी का जो आकार है ना, वो कुंभकर्ण के बराबर है। जामवंत जी जब लंका में पधारे हैं तो सब लोग खड़े हो गए हैं, उनको पूछना नहीं पड़ा है कि रास्ता किधर है। अपने आप ही डर के मारे रावण के दूत आगे आगे चल रहे हैं, हट जाओ, सावधान, खबरदार। अब की बार तो भगवान राम का जो दूत आ रहा है उसके बारे में बात करना भी असंभव है। रावण के दरबार में जामवंत जी पहुंचे, रावण देखते ही पहचान गया, सिंहासन से उठ करके आया और आकर के प्रणाम किया। आप लंकेश हैं, राजा हैं, हम तो इस समय वनवासी हैं। नहीं नहीं, आप मेरे दादाजी पुलस्त के भाई हो, आप ब्रह्मा के पुत्र हो, मेरे दादा भी ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप मेरे पूजनीय हैं, कैसे आना हुआ? मैं स्वर्ण नगर के अधिष्ठात्र, वेदों के पंडित महाराज रावण से वनवासी राम के लिए भगवान माहेश्वर की स्थापना के लिए आचार्यत्व ग्रहण करने की प्रार्थना करने के लिए आया हूं। साफ साफ बतला दिया कि आप सोने की लंका के मालिक हो और हमारे जो महाराज हैं वो वनवासी हैं, उन पर देने को दक्षिणा नहीं होगी। क्या आप आचार्यत्व स्वीकार करना, आचार्यत्व स्वीकार करेंगे? रावण ने एक मिनट के लिए ध्यान किया। बहुत दिन से किसी ने हमको ब्राह्मण नहीं माना है, सब हमको राक्षस बोलते हैं। बहुत दिन से हमसे किसी ने पंडिताई की कोई बात नहीं की है, जो बात करता है लड़ाई भिड़ाई की करता है। बहुत दिन से मंत्रोच्चारण नहीं हुआ है, गालियों का ही उच्चारण होता रहता है। आज जगत वंदनीय विष्णु अवतारी दशरथ नंदन रघुवंश मेरे को ब्राह्मण मानने को स्वीकार है, तो आज मैं प्राण प्रतिष्ठा कराने जरूर जाऊंगा, आज मैं अपना आचार्यत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। ऐसा मौका जीवन में बार बार नहीं आएगा। हे जामवंत,
क्या ये माहेश्वर की प्रतिष्ठा लंका पर विजय कराने के लिए की जा रही है? हाँ महाराज, लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए ही ये माहेश्वर स्थापित किए जा रहे हैं। जाओ जाकर के अपने राम से कह दो कि मैंने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, फलानी तिथि, फलाना मुहूर्त, फलाना दिवस, और कह देना कि वो वनवासी हैं, पूजा का सामान इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। पूजा कराने का सामान भी मैं लेकर के आऊंगा। ये पूजा का सामान लाने की परंपरा पुरानी है। जामवंत जी आशीर्वाद देकर के चले गए रावण। रावण सीधा अशोक वाटिका गया, वहां से कुछ जड़ी बूटियां चुनने लगा। जानकी जी को आश्चर्य हुआ कि आज रावण काम कर रहा है। रावण तो केवल डांटता है, फटकारता है, हुकुम चलाता है, रावण कोई काम थोड़ी ना करता है। हे रावण, आज किस कार्य में लग रहे हो? कौन से यज्ञ की तैयारियां कर रहे हो? प्रणाम किया, मां मैं श्री राम के द्वारा कराए जाने वाला प्राण प्रतिष्ठा उत्सव की तैयारी कर रहा हूँ। लंका विजय करने के लिए राम के द्वारा भगवान शंकर की स्थापना की जा रही है। एक बात बताऊं, बिना अर्धांगिनी के यज्ञ पूरा नहीं होता है। यदि अपने पति को आप विजय प्राप्त कराना चाहती हैं, मेरे साथ चलने को तैयार हो जाना। लेकिन एक बात ध्यान रहे, मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। तुम्हारे पति ने मुझको आज से आचार्य वर्ण कर लिया है। आचार्य की आज्ञा पालन करना यजमान का पहला धर्म होता है। इस समय आप मेरी आधी यजमान हैं। यदि आप मेरी आज्ञा का अनुगमन करें तो मैं आपको लेकर के चल सकता हूँ। जानकी जी ने हाथ जोड़ करके स्वीकार कर लिया। पुष्पक विमान में जानकी जी को बिठाया, संग में सहायक लिए, पूजा का सामान लेकर के बताए हुए समय पर रावण पहुंच गया। राम जी स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। यज्ञ की तैयारियां होने लगी। ये यज्ञ अधूरा रहेगा। राम जी ने प्रणाम किया, क्यों आचार्य? बोले, जब तक गृहस्थी की अर्धांगिनी साथ नहीं हो, जब तक यज्ञ पूरा नहीं लगता। या तो आप कुंवारे होते, या विदुर होते, या परित्यक्त होते, या सन्यासी होते, या बाबा जी होते, इनमें से आप कोई भी नहीं हो, इसलिए आपको ये यज्ञ करने का पूरा पुण्य फल नहीं मिलेगा। भगवान राम ने कहा, हे आचार्य, जब कोई वस्तु नहीं होती है तो उसके अभाव में पुष्प चढ़ा दिए जाते हैं। मैं चढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो पूजा करने का सामान बता रहा हूं कि अधूरा है। राम जी ने निगाह नीची कर ली। रावण ने कहा, यदि यजमान हमारे आदेश को मानने के लिए तैयार हो तो हम यज्ञ पूरा करा सकते हैं। क्या आदेश है आचार्य? बोले, आपकी पत्नी पुष्पक विमान में विराजमान है, बुला लो। लेकिन मेरे आदेश का पालन होगा, पूर्णावधि होते ही वो मेरे साथ वापस जाएंगे। राम जी ने स्वीकार कर लिया। लक्ष्मण जी गए पुष्पक विमान में से जानकी जी को लेकर के आए। गठजोड़ा किया गया। अब प्रश्न हुआ, कौन सी मूर्ति की स्थापना करनी है? वो मूर्ति कहां से बनकर के आ रही है? बोले, हिमालय से बनकर के आ रही है। श्री हनुमान जी महाराज लेने गए हुए हैं। नहीं नहीं, मैं हनुमान की गति जानता हूं। बड़े ज्योतिष का बड़ा आचार्य है रावण। जब तक हनुमान लौट करके आएंगे तब तक मुहूर्त चला जाएगा। यजमान पत्नी को मेरा आदेश है, बालू का, जिसे जलेरी कहते हैं, आसन बनाया जाए, बालू का शिवलिंग बनाया जाए। यजमान को मैं आज्ञा देता हूं कि इसके ऊपर कर्पूर मला जाए।
कितना विधि विधान से भगवान राम सीता से पहले शिवलिंग का निर्माण कराया है, फिर प्राण प्रतिष्ठा कराई है, फिर विधि विधान से पूजन कराया है, और जब पूजन करा के आरती पुष्पांजलि परिक्रमा हो गई तब रावण खड़ा हो गया चलने के लिए। राम ने फिर से झुका करके कहा, हे आचार्य बताइए आपको ये वनवासी राम क्या दक्षिणा दे सकता है। रावण ने कहा, दक्षिणा अभी नहीं चाहिए, अभी वचन चाहिए। क्या वचन चाहिए? बोले जब आचार्य के प्राण निकलने वाले हो तब यजमान वचन दे के मेरे सामने उपस्थित रहे, जब मेरा अंत समय आए, जब मेरे प्राण निकलने वाले हो यजमान आकर के मेरी मृत्यु सुधार ले, यही मेरे लिए बहुत बड़ी दक्षिणा होगी। सारे अंदर पुष्प वर्षा करने लगे, तारियों की गड़गड़ाहट हो गई, सबने रावण के लिए प्रणाम किया, भगवान राम ने भी रावण के लिए प्रणाम किया। जानकी जी को लेकर के आ गए, फिर आक्रमण हुआ है, चुन चुन करके एक एक राक्षस राम जी के सामने भिजवाया है, सबसे आखिर में खुद गया। जितनी बुराइयां हैं चुन चुन करके ठाकुर जी के आगे भेजते रहो, समाप्त होती रहेंगी। जब देखे कि सब बुराई खत्म, तब जाकर के अपना समर्पण करना चाहिए। बोलो रामेश्वर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय। संक्षेप में रामचरित श्रीमद् भागवत में गाया गया, तदुपरांत एक निमी नाम के राजा हुए, जिन्होंने भगवान से वरदान मांगा, अनंत कोटि आंखों से हम आपका दर्शन करें। भगवान ने वरदान दिया, मनुष्य मात्र के पलक पर जाकर के विराजमान हो जाओ, पलकों का जो चलना है हिलना है यही आपकी उपस्थिति का सूचक होगा। परीक्षित राजा ने प्रार्थना करी, हे प्रभु मैं चंद्रवंश श्रवण करना चाहता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार सूर्यवंश में एक से एक प्रतापी राजा हुआ, इसी प्रकार चंद्रवंश में भी एक से एक भगवत भक्त दानी वीर राजा हुए हैं। आदि पुरुष भगवान नारायण, नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि की पत्नी है अनसुईया, जिनके यहां चंद्रमा ने जन्म लिया ब्रह्मा के अंश से, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरूर्वा, पुरूर्वा के वंश में गाधी नरेश की कन्या ऋषि ऋषि को ब्याही थी, जिनके यहां जमदग्नि ऋषि ने जन्म लिया, जमदग्नि की पत्नी रेणुका, रेणुका के पुत्र भगवान परशुराम हैं। माता जल लेने के लिए गई, भूल गई, पति प्रतीक्षा कर रहे हैं, पति को क्रोध आया, परशुराम मां की गर्दन काट दो, झट काट डाली, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया, वरदान मांगो पिताजी, मेरी मां जीवित हो जाए, झट से जीवित कर डाली। माता ने परशुराम को फरसा दिया, जहां भी जाओगे वहां तुम्हारी विजय होगी। और श्रीराम भगवान का हमारे और आपके लिए एक उपदेश है जो सबको मानना चाहिए। और श्रीराम भगवान का कहना है कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, हम लोगों को नित्य व्यायाम करना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री, चाहे बचपन में हो चाहे जवानी में हो चाहे बुढ़ापे में हो, हर व्यक्ति को व्यायाम करके स्वस्थ रहना चाहिए। हर व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां हैं, सबसे पहली जिम्मेदारी है आत्मसम्मान की रक्षा करना, सेल्फ डिफेंस। दूसरी जिम्मेदारी है अपनी पत्नी अपने बच्चों की रक्षा करना। तीसरी जिम्मेदारी है अपने देश की रक्षा करना। चौथी जिम्मेदारी है अपने धर्म की रक्षा करना। और धर्म के लोगों से सीखना चाहिए, वो लोग हमेशा अपना बल बढ़ाते जा रहे हैं, जहां चलते हैं झुंडों में चलते हैं, अपने धर्म के प्रति एकाग्रता रखते हैं। और हम लोगों में किसी के घुटने खराब, किसी का टखना खराब, किसी को कोई बीमारी, किसी को कोई बीमारी,
जब हम ढीले पोले रहेंगे तो कहां अपने परिवार की रक्षा कर पाएंगे, कहां हम अपनी रक्षा कर पाएंगे। हमारे हनुमान जी के हाथ में गदा है, राम जी के हाथ में धनुष है, शंकर जी के हाथ में त्रिशूल है, गणेश जी के हाथ में शूल है, संतोषी माता के हाथ में तलवार है, कृष्ण कन्हैया के हाथ में चक्र है, जितने देवता हैं सब हथियार रखते हैं। किस लिए? बोले अपनी रक्षा के लिए। हमारे पास सबसे बड़ा हथियार है कि हम अपना बल बढ़ाएं, व्यायाम करके शरीर का बल बढ़ाएं, अध्ययन करके बुद्धि का बल बढ़ाएं, साथ में रह करके जन बल बढ़ाएं, कमा करके धन बल बढ़ाएं, हर तरह से बलवान होना चाहिए, तभी हम अपना, अपने परिवार का, अपने धर्म का, अपने देश का स्वाभिमान बचा पाएंगे। बोलो परशुराम भगवान की जय। इसी चंद्रवंश में उसी नर नरेश श्री नाम के राजा हुए, कबूतर के प्राणों की रक्षा करने के लिए अपने प्राण देने के लिए तैयार हो गए। चंद्रवंश में दुष्यंत नाम के राजा, दुष्यंत का विवाह मेनका और विश्वामित्र की कन्या शकुंतला के साथ में हुआ। इनके यहां भरत नाम के राजा ने जन्म लिया, जो बचपन में शेर के मुंह में उंगली डाल करके दांत गिना करते थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इन्हीं दुष्यंत के वंश में शरियाती नाम के राजा हुए, इनके वंश में यदु और कुरु नाम के राजा हुए, कुरु के वंश में शांतनु, शांतनु की पत्नी गंगा से भीष्म का जन्म हुआ, दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद विचित्रवीर हुए, जिनका विवाह तो हो गया था लेकिन संतान नहीं हुई, अल्प आयु में वीरगति को प्राप्त हो गए। माता सत्यवती ने व्यास जी से प्रार्थना करी, वंश की रक्षा के लिए संतान उत्पत्ति आवश्यक है। व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दोनों कुलवधुओं को नग्न होकर के अपने सामने बुलाया, बड़ी वाली आई, आंख बंद कर ली, उनसे जो संतान हुई वो अनुभा धृतराष्ट्र हुआ, दूसरी बहू ने अपनी जगह दासी भेज दी, उनसे जो संतान हुई वो विदुर जी हुए, छोटी रानी को जो भेजा गया तो शर्म के मारे पीली पड़ गई, उनसे जो पुत्र हुए उनका नाम पांडु रखा गया। धृतराष्ट्र गांधारी के पुत्र कौरव, दुशीला नाम की कन्या, महाराज पांडु के दो पत्नियां हैं कुंती और माद्री, कुंती के कर्ण, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, माद्री के नकुल और सहदेव, अर्जुन के अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र हे परीक्षित आप स्वयं हो जो हमारे सामने विराजमान हो। इसी चंद्रवंश में शूरसेन नाम के, यदुवंश में शूरसेन नाम के राजा हुए, शूरसेन के पुत्र हैं श्री वसुदेव। इसी चंद्रवंश में उग्रसेन नाम के राजा हैं, जिनका पुत्र है कंस, कंस के चचेरे, चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, जिनके यहाँ कृष्णावतार हुआ, विभिन्न लीलाएं करके भगवान ने आनंद प्राप्त कराया। नौवां स्कंद विराम हुआ, दसवें स्कंद में परीक्षित राजा ने शुभदेव जी से प्रार्थना करी, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां च वै वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। जिस प्रकार आपने सूर्य वंश चंद्र वंश सुनाए, इसी प्रकार मैं भगवान श्री कृष्ण का पावन चरित सुनना चाहता हूँ। अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान भूतभावना कृतवान ज्ञान विश्वात्मा तानि नहो वदवेस्तरा। राजा क्या कारण है, इतना प्रेम क्यों है श्री कृष्ण के चरित सुनने में? पिता महामे समरे मरंगे देव प्रतात्यास्त्रितैस्तमिंगल दुरत्यम गौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरण वस्पदम श्रियत बलवा। मैं अच्छी तरह जानता हूं
हमारे पांच पांच बाबाओं के सामने कौरव सेना का बहुत बड़ा सागर था। जब कोई छोटी नाव में समुद्र पार करने जाता है, बड़ी बड़ी मछली नाव को पलट देती है। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, बड़े बड़े तिमिंगल थे नाव को पलटने के लिए उस सागर में। जैसे कोई छोटा बच्चा गाय के खुर से बने हुए गड्ढे को पार कर जाता है, इसी प्रकार कृष्ण कृपा से हमारे पांचों बाबा कौरव सेना को सहज में पार कर गए। हमारे पांचों बाबाओं की हिमायती श्री कृष्ण, मेरे पिता अभिमन्यु के गुरु श्री कृष्ण, मेरे प्राणों के रक्षक श्री कृष्ण, मैं कथा नहीं सुनूंगा तो और कौन सुनेगा, कथा सुनाइए। कुछ खा लो, कई दिन हो गए कथा सुनते, कुछ पी लो। नैषा दुस्साहन माम रिक्तोदम अभिवाद दे पिबंतम तन्मुखाम भोजम चुतम हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से जो कथामृत पान किया जा रहा है, इसको पीने के बाद संसार के कोई वस्तु खाने पीने की इच्छा नहीं रहती है। आप हमें श्री कृष्ण की कथा सुनाइए। प्रलम्बक चारूढ़ तृणावर्त महाशन मुष्टिका हृष्ट द्विविद पूतना केश धेनुक। प्रलम्बासुर बकासुर चारूढ़ मुष्टक शल कौशल पूतना धेनुकासुर केशी द्विविद बहुत सारे राक्षसों का संगठन बना करके दुष्ट कंस ने अपना राज्य स्थापित कर दिया। माता पिता को कारागार में डाल दिया गया, जबरदस्ती खुद राजा बन गया। जप तप व्रत संयम नियम ध्यान धारणा दान पुण्य कथा कीर्तन सब समाप्त कर डाले गए। भूल से भी कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। कंस के अनाचारों से चारों तरफ हाहाकार हो रही है, सब लोग बड़े दुखी हैं। पृथ्वी के ऊपर भार बढ़ गया। जब कभी पृथ्वी के ऊपर धर्म के विरोधी लोगों की संख्या बढ़ जाती है, वह पृथ्वी के ऊपर भार हो जाते हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के निकट गई, भगवान शंकर को साथ में लिया, क्षीर सागर के किनारे जाकर के भगवान से अवतार लेने के लिए प्रार्थना करने लगे। सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु अवतार लेकर के पधारो, हम और आप ही प्रार्थना करें कि भगवान हमारे लिए भी दर्शन देने के लिए पधारे। गोभी ग्वाल बन बन करके ब्रज में चले जाओ। सर्वे वै देवता प्राया उभयोरपि भारत। विश्व के सभी देवता ब्रज में आकर के जन्म लेने लगे। देवकी के पिता का नाम है देवक, जिनके आठ बेटियां हैं। देवकी जी की सबसे बड़ी बहन का नाम है रोहिणी, और इन आठों का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ हुआ है। जब श्री देवकी जी का विवाह संपन्न हुआ, कंस स्वयं रथ चला करके विदा करने जा रहा है लोगों को दिखाने के लिए, देखो मैं कितना व्यवहारिक हूँ, कितना सामाजिक हूँ, कितना लोगों की सहायता करता हूँ, कितना मैं लोगों के काम आता हूँ। जब चुनाव आते हैं, जब किसी को अपने को बढ़िया दिखाना होता है, तो वो इसी प्रकार दिखावा करता है। उसी समय आकाशवाणी हुई, अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हन्तायाम महसे बुधा इक्तुक्त सकल पापो भोजानाम कुलपांसना। हे मंदमती कंस, जिस बहन को विदा करने जा रहे हो, इसी की आठवीं संतान तुम्हारी मृत्यु का कारण होगी। कंस भयभीत हो गया, तलवार निकाल ली,
देवकी की चोटी पकड़ के रथ में से नीचे खींच लिया, जो मारने लगा बस देवी ने हाथ जोड़ करके समझाया, हमारे जो भी संतान होगी पैदा होते ही अंत में ला करके दे देंगे, मारना ना या छोड़ना ये आप स्वतंत्र रहेंगे। एक वर्ष के बाद पहली संतान हुई, वसुदेवी लेकर के कंस के दरबार में पहुंच गए। जय शंकर की, कैसे आई जीजाजी? बोले पहली संतान हुई है, लेकर के आए हैं। आप बहुत सीधे हो जीजाजी, मुझे जो खतरा है वो आठवीं संतान से है, आप इसे वापस ले जाओ। नारद जी कंस के यहां आ गए। क्या हाल चाल है कंस? बोले बहुत बढ़िया, बहन का विवाह हो गया। बोले महाराज बहुत ज्यादा बढ़िया। जीजा जी कैसे मिले? बोले सबसे बढ़िया। कैसे सबसे बढ़िया? आकाशवाणी हुई जी आठवीं संतान मारेगी, पहली संतान ही लेकर के चले आए हमारे पास, तुमने क्या किया? बोले हमने वापस भेज दिया, हमें खतरा आठवीं संतान से है। कमल का फूल उठा लिया, बोले बताओ इसमें कितनी पंखुड़ी है? एक दो तीन चार पांच छह सात आठ पंखुड़ी है। दोबारा गिनो कितनी है? जो गिनने लगा नारद जी फूल को घुमा देते, जहां से गिनती शुरू करो वही पहली, और जहां गिनती पूरी हो जाए वही आठवीं। क्या कहना चाहते हो नारद जी? यदि तुम एक एक करके ऐसे ही बच्चों को छोड़ते रहे और कभी एक साथ दो पैदा हो गए, एक तुमसे छुपा लिया गया, अचानक आकर के तुम्हारा गला दबा देगा, कहेगा मैं आठवां हूं, क्या करना चाहिए? बोले क्या करना है ये तो तुम सोचो। नारद जी पैसा लाइटर है जहां लगा देते हैं, आग लग जाती है बड़ी जोर की। दुष्ट कंस ने देवी वसुदेव को कारागार में डाल दिया, बच्चे को छीन के फटाक करके मार डाला, एक एक करके छह बच्चे मार डाले। वसुदेव जी के मित्र हैं नंद बाबा, गोकुल में विराजते हैं, इन दोनों के सातवीं पीढ़ी में बाबा भाई भाई थे, लेकिन दोनों में मित्रता है। जब कारागार में डाला जा रहा था, श्री वसुदेव जी की अन्य पत्नियों को नंद बाबा के यहां गोकुल में भिजवा दिया गया। सातवीं बार गर्भ में श्री शेष पधारे, भगवान ने योग माया के द्वारा उनको रोहिणी के गर्भ में भिजवा दिया। भगवान शेषावतार भादों का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि मध्याह्न के 12 बजे स्वाति नक्षत्र में श्री बलराम जी का जन्म हुआ। बोलो बलराम भगवान की जय। ब्राह्मण देवता वहां आए हुए थे। बलराम जन्म महोत्सव में ब्राह्मण जान गए कि ये नंद बाबा के बेटा नहीं है। बाबा आपके बेटा नहीं है? बोले हाँ भैया हमारे बेटा नहीं है, हम लोग अनुष्ठान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे। संतान गोपाल का अनुष्ठान बिठा दिया गया, ब्राह्मणों के लिए वस्त्र आभूषण अलंकार पूजन सामग्री भोजन सामग्री ठहरने की व्यवस्था बहुत बढ़िया तरीके से कर। ब्राह्मण रोज जमुना जी स्नान करते, बढ़िया बढ़िया भोजन बनाते और भगवान को भोग लगा करके पुकारते, गोपाल लाल दीजो और नंद को बेटा दीजो। भगवान ने प्रार्थना सुनकर के योजना बनाई, योग माया को बुलाया, योग माया आप नंद पत्नी यशोदा के गर्भ में चली जाओ, मेरी लीलाओं में सहयोग के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कलयुग में तुम्हारी पूजा हमसे ज्यादा होगी। मैं स्वयं देवकी के गर्भ में जा रहा हूं। इधर योग माया यशोदा जी के गर्भ में आ गई। यशोदा जी ने ये मंगल समाचार नंद बाबा को बतलाए। नंद बाबा ने अपनी दो बहन नंदा और सुनंदा को बुला लिया। दोनों बहनें आकर के भाभी की संभाल करने लगी। इधर भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आ गए। कंस को मालूम पड़ा देवकी आठवीं बार गर्भवती हो गई। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूता निज राम नवेदे भोजेन्द्र गे अग्निश के वरुद्धा सरस्वती ज्ञान कले यथा सती।
पहरे वाले बढ़ा दिए गए। अब तक जेल में कोई काम नहीं करना पड़ता था, गेहूं चना बाजरा रख दिया, सूप चलनी थाली रख दिए, बोले साफ करो। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और सख्त कार्रवाई होने लगी। भगवान देवकी के गर्भ में आ गए हैं, देवता प्रसन्न हो रहे हैं। भगवान हमारा कल्याण करने के लिए गर्भ में आए हैं। जिनका नाम लेने से गर्भ में आना जाना छूट जाता है, वो भक्तों का कल्याण करने के लिए स्वयं गर्भ में आए हैं। सत्य प्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य सत्यस्य सत्यम सत्य नेत्रम संध्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। आपका प्रत सत्य है, आप परम सत्य हैं, भूत वर्तमान भविष्य में सत्य हैं, सत्य ही आपकी योनि, अवतार के कारण भी सत्य, सत्य की ही रक्षा के लिए हे सत्य नारायण आप अवतार ले रहे हैं। हम बार बार आपको प्रणाम करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यैवा जन जन्मक्षम शांतक्ष गृह तारकम। जब से भगवान गर्भ में आए हैं, चारों तरफ वातावरण में प्रसन्नता ही प्रसन्नता दिखाई दे रही है। नदियों में जल निर्मल हो गया है, नीचे तक दिखाई देता है। नदियां भी तरंग भर भर के चल रही हैं। क्यों? प्रभु आएंगे, यमुना जी का इनसे विवाह होगा, हम इनकी साली लगेंगी, इनसे परिहास करने का मौका मिलेगा। अब तक किसी अवतार में इनसे रिश्तेदारी नहीं हुई, अब की बार हमारा रिश्ता बनेगा। पर्वत झूमने लग गए हैं। क्यों? ये गोवर्धन की पूजा कराएंगे, ये हमारी जाति का सम्मान बढ़ाएंगे। पवन बहुत मंद मंद चलने लग गई है। क्यों? पिछले अवतार में मेरे पुत्र ने इनकी सेवा करी थी, इस अवतार में मैं इनकी सेवा करूंगा, इनको श्रम नहीं होने दूंगा, पसीना नहीं आने दूंगा। अग्नि अपने आप में प्रसन्न हो रही है, भगवान के मुख से मेरा जन्म हुआ था, आज तक लौट करके नहीं आ पाए, ये दावा नल का पान करेंगे, मुझे अपने मुख में दोबारा स्थापित करेंगे। महिम मंगल भूष्ट पुरग्राम करा नद्यो प्रसन्न सजला हृदय जल रोहश्रिय। सबसे ज्यादा प्रसन्न पृथ्वी माता हो रही है। राम अवतार धारण किया तो हमारी बेटी से विवाह कर लिया, परशुराम बन करके आए लड़ने भिड़ने में लगे रहे, बामन बन करके आए दान में लिया दान में दे दिया, पहली बार आनंद आने वाला है, ये नंगे पांव विचरण करेंगे, इनके श्री चरणों का सीधा स्पर्श प्राप्त होगा, हमें तो वास्तव में पतिव्रता होने का फल इसी अवतार में प्राप्त होने वाला है। लक्ष्मी जी आकर के पूरे ब्रज में बिखर गई हैं। भादों का महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुधवार शाम का समय यशोदा जी को नींद आ रही है। अपनी ननद से कहने लगी, बीवी जी आज ऐसा लगे कछु हेवे वारो दिखे, यदि मेरे कछु है जाए तो मुझे जगा लीजो। सुनंदा बोली, भाभी मैं तो जगाऊंगी कि तू ही पूरे मोहल्ला को जगा करके रख देगी। योग माया के कारण नींद आ रही है। रोहिणी नक्षत्र रात्रि के 12 बजे कंस के कारागार में भगवान का जन्म हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। आप लोग मुझे गोकुल पहुंचे आना, 11.5 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा, तब आपको संतान होने का सुख प्रदान करूंगा। देवकी जी ने कहा, महाराज सारा सुख वहीं प्रदान कर देंगे, वरदान हमने मांगा है, एक बार तो गोदी में आ जाओ और सुनो, ये चतुर्भुज रूप धारण करके जाओगे ना तो तुम्हारे को वहां कोई नहीं पूछेगा, कोई लाल प्यार नहीं करेगा, सब पूजा करने लग जाएंगे। तमद्भुतम बालकं चतुर्भुजं शंख गदा युधायुधं
श्रीवत्स लक्ष्मणं शौविकौस्तवं पीताम्बरं सान्द्रपयोदशोवगम। भगवान झट से बाल कृष्ण के रूप में अवतरित हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। श्री ठाकुर जी के प्रकट होते ही पहले बारे सो गए। अभी देर है राजीव भैया, ताले टूट गए, फाटक खुल गए, ठाकुर जी को सूप में विराजमान कर लिया और वसुदेव जी मस्तक पर धारण करके गोकुल चल दिए। रास्ते में यमुना जी को पार कर रहे थे, यमुना जी बढ़ने लगी, वसुदेव जी डर गए। ठाकुर जी ने कहा, अरे यमुना जी क्या कर रही हो, हमारे पिताजी डूब जाएंगे। यमुना जी ने कहा, महाराज जो आपका नाम ले लेता है वो नहीं डूबता है, तो जिसके माथे आप विराज रहे हो वो कहाँ डूब सकता है। क्या चाहती हो? बोले चरण स्पर्श करा दो। भगवान ने पीछे चरण लटका दिए। यमुना जी चरण स्पर्श करके एकदम शांत हो गई। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी। रात्रि में वर्षा होने लगी, सब लोग अपने अपने घरों में घुस गए। वसुदेव जी आए, वहाँ कन्या का जन्म हो चुका है, बालक को यशोदा जी के निकट लिटा दिया। कन्या को लेकर के कारागार में पहुँचे। कन्या के पहुँचते ही फाटक लग गए, पहरे वाले जग गए, ताले लग गए, हथकड़ी बेड़ियां लग गई। कन्या ने रोना शुरू कर दिया। कंस के जासूसों ने जाकर के खबर दी, महाराज आठवीं संतान हो गई है, कंस को सवेरे का भी इंतजार नहीं है। दौड़ा चला आया, लाओ देव की ये आठवीं संतान है, इसका तो मुझे बहुत पहले से प्रतीक्षा थी। अरे ये तो भांजी है, बड़े पुण्यों से भांजी का मुख देखने को मिलता है। हट जाओ, फालतू बात मत करो, मुझे कुछ नहीं सुहाता है। छीन लिया जबरदस्ती, जो पटक करके मारना चाहा, देवी हाथ से उछल करके आकाश में अष्टभुजी देवी बन गई। हे मंदमती कंस, तुम हमें क्या मारना चाहते हो? तुम्हें मारने वाला ब्रज में जन्म ले चुका है। देवी अंदर ध्यान हो गई, कंस को चक्कर आ गए, चरणों में गिर पड़ा। देवी वसुदेव को मनाने लगा, ज्ञान देने लगा, फालतू की बातें हैं, चलो अपन तो काम की जगह चलें, कहां गोकुल में चलें। श्री यशोदा जी की आंख खुली, देखी लाला भयो है। सुनंदा जी को जगाया, बीबी जी लाला भयो है। सुनंदा जी दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास गई, भैया बधाई है बधाई है, लाला भयो है। नंद बाबा दौड़े दौड़े रसोई में गए और थाली लेकर के बेलन से बजाने लगे। बोलो नंद के लाला की जय। नंद स्वात्मा जो उत्पन्न जाता लादो महामना, आओ ये भी प्राण वेद ज्ञान स्नान सुदलंगता। वेदक ब्राह्मणों को बुला करके बालक के लिए स्वस्ति वाचन का पाठ कराया। 2 लाख गाय श्री नंद बाबा ने दान करी। दाई को बुला करके नाल छेदन कराया। यशोदा जी ने जितने गहने धारण कर रखे थे बधाई ने सवरे के सवरे दाई के लिए दे दिए। नंद बाबा ने अपने नाई को बुलाया। नाई को बुला करके समस्त ब्रज 84 कोस में बुलाए लगवा दिए। अरे भैया ब्रजवासियों, नंद मेहर घर लाला जायो है, सभी ब्रजवासियों को नंद महोत्सव में पधारना है। गोवश्य गोपियों ने जैसे ही सुना, एक दूसरे के मेहंदी लगाने लगी। सवेरे उठ करके उभटने करे, लहंगा ओढ़ना धारण किए, श्रृंगार धराए, ग्वाल बाल गायों के थापे लगा करके सजाने लगे, देरियां मारी जाने लगी, बंधनवार सजाई जा रही हैं, मंगल कलश भरे जा रहे हैं, दिव्य श्रृंगार धारण करके गोपियां झुंड के झुंड बना करके नंद महल की ओर जा रही हैं। गोप्य समस्त मणि कुंडल निष्कंठ्य चित्रांबरा पदशिखा चतुमाल्य वर्षा नंदालयं सबलया ब्रज तिर्विरेजो व्यालोल कुंडल पयोधर हार शोभा। इधर नंद बाबा को ग्वाल वालों ने सजाया, जामा पाजामा पहनाए, पगड़ी बांधी, सिर पे जमाना,
काजल लगाए, तिलक लगाए, चंदन लगाए, इत्र लगाए, कानों में कुंडल पहने नंद बाबा ने हार धारण किया, कड़े धरा करके सोने के बलना के एक तरफ नंद बाबा विराजमान हुए। यशोदा जी की पियर की गोपियां आई, सबने मिलकर के यशोदा जी के लिए सजाया, एक तरफ पलना के यशोदा जी विराजमान हुए, बीच में ठाकुर जी को विराजमान किया, ग्वाल बाल दूध दही माखन की गागर ले लेकर के आ रहे हैं, मटकी ले लेकर के आ रहे हैं, गोपियां ग्वाल बाल सब लोग मिलकर के नंद महोत्सव मनाने लगे। आइए सभी लोग आरती करें, सबको प्रसाद के रूप में माखन की मटकी बाहर बांटी जा रही है, यहाँ पर बांटने की व्यवस्था नहीं रखी क्योंकि धक्का मुक्की ज्यादा हो जाएगी, सबको मिलेगी, कोई भी रहेगा नहीं। आइए आरती जगाएं बालकृष्ण प्रभु की। आदरणीय अश्वनी भैया, अश्वनी कुमार लोहिया जी, ज्ञान यज्ञ में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले अश्वनी कुमार लोहिया जी आए और आरती करें। सभी भक्त वैष्णवों को सूचना है, 24 अगस्त से 24 सितंबर ब्रज 84 कोष की यात्रा रहेगी, जो भी भक्त वैष्णव चलना चाहे वो हमारे साथ चल सकते हैं। दिनांक 1 सितंबर से 9 सितंबर तक गाड़ियों की यात्रा रहेगी, वाहन द्वारा यात्रा, जो लोग वाहन के द्वारा ब्रज 84 कोष की यात्रा करना चाहते हैं, 15,000 रुपया नौछावर रखी गई है, एक महीने वाली यात्रा की नौछावर 25,000 रुपया है, जो भी भक्त वैष्णव चलना चाहें लोहिया परिवार के सभी सदस्य आरती करने के लिए आगे आ जाएं, थोड़ा थोड़ा भक्त वैष्णव पीछे हट जाएं और पीछे वाले लोग आगे वालों को हाथ लगा लेंगे तो आरती करने का पुण्य मिल जाएगा अपने आप। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सफल कर ली, अखियन को तारो, बाबा की अखियन को